I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो गाइस, वेलकम टू द स्ट्रीम। आई होप मेरी वॉइस ऑडिबल है। पहले मैं वॉइस थोड़ा चेक ही कर लेता हूँ। सभी को वेलकम। राजन मरवाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। डीजे गेमिंग, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल चाल यार मेरे भाई, कैसे हो? मेरी वॉइस सही से आ रही है ना सभी को? मुझे पता है मेरी वॉइस ऐसी आ रही है जैसे कि मैं कोई 90s की माइक में बोल रहा हूँ, मुझे पता है। ओके तो मेरे वैसा ओके ऑल डन। सो गाइस, सभी को वेलकम पहली बात तो। और आज हम लोग कुछ बड़ा सा करने वाले, बड़ा गिव अवे। लाइक आज का गिव अवे थोड़ा अलग रहेगा। और शशि मेरे भाई, हाय, वेलकम टू द स्ट्रीम। सिंचन, वेलकम टू द स्ट्रीम। डीजे गेमिंग, वेलकम टू द स्ट्रीम। शोम ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। व्हाट्सअप भाई, कैसे हो? सीआर लोहित, वेलकम टू द स्ट्रीम। ब्लैक बर्ड, वेलकम टू द स्ट्रीम मेरे भाई, क्या हालचाल। गिरिजा पांडा, वेलकम टू द स्ट्रीम मेरे भाई। उचिया ओबितो, वेलकम टू द स्ट्रीम, क्या हालचाल मेरे भाई। ठीक है, आप बताओ एग्जाम कैसे चल रहे हैं? अरे भाई हमारे प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं, अब एग्जाम है 11 से। तो आज एक आखिरी स्ट्रीम करेंगे, उसके बाद 17 को करेंगे। मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो मुझे लगा वाउचर्स आएंगे 15 तक। मेरे वाउचर्स पूरे खत्म हो चुके थे। वॉचर्स आ गए तो मैं सोचा यार चलो सबको कॉडेक्स गिव अवे कर ही दें। आज कॉडेक्स गिव अवे में ट्विस्ट है, टॉप 5 जो भी टॉप 5 होगा उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में बाकी 5 रैंडम बंदों को मिलेगा जिनका मतलब जैसे मैं बोलूँगा कि आप अपना यूआईडी और आईडी डाल दो, जिसका सबसे पहले यूआईडी और आईडी आएगा उस बंदे को कॉडेक्स मिल जाएगा। तो यार सब लोग अपना अपना यूआईडी और आईडी दोनों ही रेडी रखना, जब मैं बोलूँगा तभी स्पैम करना है। जो सेकेंड आता है तो बुरा मत मानना, उसको नेक्स्ट टाइम कभी मिल जाएगा। बट आज हर एक मैच के बाद आप सभी को कॉडेक्स मिल सकता है। फिलहाल तो आज टॉप 5 बंदों को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप सभी को अपने पॉइंट्स को बढ़ाना है तो कुछ नहीं करना, आप सभी को सिर्फ स्ट्रीम को शेयर कर देना है। अलग ग्रुप्स में, जो भी ग्रुप्स है, जितने भी ग्रुप्स है, सब में शेयर कर देना है स्ट्रीम को। इससे होगा आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। तो क्लियर टेलर वेलकम टू द स्ट्रीम रे भाई, गुड इवनिंग से। गुड इवनिंग ब्रो, गुड इवनिंग, व्हाट्सअप। खेल रहा है क्या? अरे हाँ खेलेंगे, आज तो खेलेंगे। नियो वेलकम टू द स्ट्रीम। मेरे लिए वीसी नहीं था तेरे पास? अरे नियो आज अभी आया वीसी वाउचर, सभी को अभी आया है। जो भी बाकी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनका भी देख लो, अभी आया है। तो मैं तो मेरे पास उस वक्त था नहीं, मेरे पास जीरो था, लिटरली मेरे पास जीरो वाउचर्स हो गए थे, पर अभी है वाउचर्स। तो आज करेंगे हम लोग कुछ बड़ा सा गिव अवे। तो जो भी चैनल पे नहीं है यार, सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, सभी सब्सक्राइब कर लेना एंड ज़रूर से यार सभी स्ट्रीम को शेयर करना। जितना शेयर करोगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। एक्सेलरेटर टॉप आप लोग सर्च करो और आप सभी को मिल जाएंगे पॉइंट्स। फिलहाल तो यार देखो, जो माइक है ना, माइक आप सभी को मेरे ख्याल से मैं 17 तक सब कुछ फिक्स कर लूँगा। ये माइक बहुत खटा रहा है, मुझे ही पता है, बट फिलहाल तो अभी इसी काम चलाना पड़ेगा। मेरी वॉइस इतनी ऑडिबल तो है जो सुन सकते हो, तो यही है। तो कुछ करना नहीं है, गिव अवे में पार्टिसिपेट होने के लिए आप सभी को स्ट्रीम पे बने रहना है एंड स्ट्रीम को शेयर कर देना है, स्ट्रीम को लाइक कर देना है। शेयर करोगे एडिशनल पॉइंट है, कमेंट करना है थोड़ी थोड़ी देर में, तो आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। और हाँ, ये टॉप बात रही टॉप 5 बंदों की, तो टॉप 5 बंदों को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में और रैंडम 5 को मिलेगा जिनको मैं खुद से पिक करूंगा। ऐसा नहीं है कि लाइक वो मतलब टास्क कंप्लीट करेंगे तो ही होगा। रैंडम 5 बंदों को एडिशनल मिलेगा गिव अवे कोडेक्स का। तो यार सभी बन के रहना और यार ग्लोबल पे हर जगह पे शेयर कर दो। फ्री कोडेक्स गिव अवे चल रहा है, तो यार आज बहुत से 5 लकी हो सकते हैं और जो 5 टॉप पे होंगे उनको तो मिलना ही है। तो यहाँ पे टॉप 5 पे देखा जाए तो सोहम, वीर, सिंचन और हैप्पीनेस एंड रजत, तो यार 5 लोग तो यहाँ पे है ही। तो देखते हैं इसमें से जो ज़्यादा देर तक एक्टिव रहा वो 5वें नंबर पे आ सकता है, कोई नीचे का बंदा भी। तो या और गाइस बताओ यार सभी के क्या हालचाल है। फिलहाल तो यार तुम्हारा भाई के एग्जाम्स तो चल रहे हैं, सभी को पता ही है। एक मिनट को विंडो बंद करने दो। यू नो गाइस, मैंने थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर दिया स्ट्रीम करने का, क्योंकि यार थोड़ा यहाँ पे बैटरी लगा। फिलहाल गाइस बताओ यार सभी कैसे हो, ये बताओ सभी, इसके बाद करते हैं स्ट्रीम स्टार्ट। ब्रो रैंक लो भी लगाओ, हाँ रैंक करेंगे अभी। और तेरा कोडेक्स तो ऑलरेडी है, हाँ ये बहुत दिनों से स्ट्रीम ही नहीं कर रहा था। अरे मेरे भाई एग्जाम प्रैक्टिकल चल रहे, तुम सब तो एक चीज़ जानो, तो अभी फिलहाल मेरे घर पे है नहीं कोई। तुम सभी को पता है, अगर गेम नॉर्मली खेलते तो नॉर्मल सी बात है। अगर मैं स्ट्रीम करूँगा तो घर पे क्या रिएक्शन रहता समझ सकते हो ना आप लोग सभी का, किसके एग्जाम्स हैं एंड इसको ज़रा भी डर नहीं है, ये है वो है। तो इससे अच्छा मैंने थोड़ा बैठ कर तुम्हारा भाई कभी कभार पढ़ लेता है। तो अभी एग्जाम तक यार थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना ही चाहिए ना यार, पेरेंट्स होंगे ही, वो तो सभी को पता ही है। फिलहाल तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है यार सभी को देख के, सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस हर जगह पे शेयर कर दो। और गाइस हाँ, एक और चीज़ यार मुझे शेयर करना था, मैंने कम्युनिटी टैब में नहीं लगाया ये, कि जो COT की तरफ से आया था कंटेंट क्रिएटर्स, फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स, तो यार वहाँ पे जाके आप अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो। एक्सलमेंट्री प्रोफेसर गेमिंग 51 डाल के तो आप सपोर्ट कर सकते हो ज़रूर से यार, जो भी देख रहा है। फिलहाल तो ब्रो डीमंस लेयर थीम इज वेयर, डीमंस लेयर का मे भी देखो गाइस अभी तक कोलैब का कोई अभी आया नहीं है, लाइक नोटिस या फिर नोटिफिकेशन ऐसा कुछ। फिलहाल तो मुझे लगता है कि कोलैबोरेशन हो सकता है COT का डीमंस लेयर के साथ, क्योंकि यार इसमें हीरो को दे दिया है जो कि क्या नाम था यार उसका, यान, हाँ यान हीरो को दे दिया है, यान हीरो का ये मैं नहीं चाह रहा स्ट्रीम से। अरे भाई हम पे तो कोडेक्स है, अरे वाह भाई बढ़िया। आपका क्या एग्ज़ाम में ब्रो, क्या हाल है एग्ज़ाम में? देखो ब्रो मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बहुत सेक्सी गए, यानी बहुत सेक्सी यानी कि बहुत ज़्यादा। अब जो भी IT के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, बट सीरियसली बहुत ज़्यादा इजी इसलिए गए क्योंकि देखो सिलेबस पूरा कंप्लीट था नहीं, जितना भी था और जितना भी मैंने किया था सारे आ गए। तो होप करो गाइस, ऐसे विश करो कि तुम्हारा भाई जो अभी सेमेस्टर 2nd होगा जो कि फाइनल एग्ज़ाम होगा, उसमें भी तुम्हारा भाई एकदम मस्त अच्छा जाए सभी का, मतलब मेरा पेपर। तो बस यही फिलहाल तो गाइस। देखो मेरी वॉइस ना आप सभी को इतना क्लियर नहीं आ रही होगी, मुझे पता है। जो मैं मोबाइल से स्ट्रीम करता हूँ ना वो कुछ ज़्यादा ही क्लियर होती है, क्योंकि वो ईयरफोन का होता है माइक, बट ये मेरे पास जो खटारा माइक है ना इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ब्रो मेरे पास कोडेक्स है, मुझे नेक्स्ट सीज़न दे दो। ठीक है सिंचन मेरे भाई, आप नेक्स्ट सीज़न ले लेना। तनजीरो की स्किन आएगी यहाँ पे, और जो नेजुको की स्किन है हो सकती है वो आएगी इस पे, क्या कहते हैं खीरा पे। या ब्रो अदर एओवी यूट्यूबर इज प्लेइंग, कॉडेक्स के अलावा स्किन मिलेगी। कॉडेक्स के अलावा देखो स्किन गिव अवेज तो मैंने बहुत अच्छा प्लान कर रखा, इवन नॉर्मल स्किन्स नहीं लेजेंडरी स्किन्स के लिए। गाइस आप सभी को एक और चीज़ मैं बता दूं, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि मैं कुछ बड़ा सा लाने वाला हूँ आफ्टर 17। सीरियसली आप सब खुश हो जाओगे, जितने भी नए बंदे हैं, जितने भी बंदों को ई स्पोर्ट्स के लिए जाना है, जितने बंदों को लाइक फ्री में टूर्नामेंट खेल के कुछ अर्न करना है, उन सभी के लिए कुछ बढ़िया सा लाने वाला हूँ मैं। तो यार बस थोड़ा सा शेड्यूल रहो, बहुत ज़्यादा मतलब बातचीत तो हो गई है फिलहाल, तो समझ लो कुछ ऐसा हो सकता है लाइक टूर्नामेंट रिलेटेड। और लेकिन टूर्नामेंट में लाइक ऐसा नहीं होगा कि आप सभी को स्किन मिलेगा या फिर वाउचर्स मिलेंगे, वो नहीं मिलने वाला। आप सभी को मिलेंगे लाइक आप अगर मेहनत कर रहे हो, अपने स्किल्स दिखा रहे हो, तो आप सभी को मिलेगा पैसे या यानी कि एक रिवॉर्ड जो कि होगा हमारे तरफ से। तो यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्राइस पूल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखने की। तो देखो गाइस स्टे ट्यून रहो, बाकी की डिटेल्स मैं आप सभी को कुछ दिनों में आप सभी को अपडेट हो जाएगा चैनल पे। फिलहाल तो मैं मेरे एग्जाम से इस वजह से, वरना मैं अभी से स्टार्ट कर दिया होता। तो यार बहुत जल्दी कुछ बड़ा सा आने वाला है प्रोफेसर गेमिंग की तरफ से, तो यार सभी स्टे ट्यून ज़रूर रहना, क्योंकि गाइस अगर आप स्टे ट्यून रहोगे तो आप सबको कुछ बढ़िया सा मिल सकता है या बढ़िया मौका मिल सकता है एज अ ई स्पोर्ट प्लेयर बनने का। तो या तनिष मेरे भाई वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हो मेरे भाई? हैप्पीनेस वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हो? किंग्स ऑफ टाइटंस कैसे हो मेरे भाई? हेलो व्हाट्सअप भाई कैसे हो? और चिन्मय मेरे भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। टीमी कैसे टाइटल है? अच्छा टाइटन है, टीमी एक सपोर्ट टाइटन है। और स्पॉन्सरशिप मिलेगा, स्पॉन्सरशिप देखो एज ए स्पोर्ट प्लेयर्स हैं, स्पॉन्सरशिप के लिए देखो मैं कुछ बड़ा बढ़िया मतलब इन फ्यूचर ला सकता हूँ लाइक जो भी अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उनको स्पॉन्सरशिप पे रख के उनके लिए कुछ अच्छा लाने के लिए। फिलहाल तो गाइस अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि कुछ अच्छा सा टूर्नामेंट होगा जो कि अपने COT मेंबर्स के लिए और जितने भी COT कम्युनिटी में सभी के लिए। और बस इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई हाई रैंक वाले ही प्लेयर्स आ सकते हैं, इसमें नॉर्मल लो लेवल के जो भी जैसे भी प्लेयर्स हैं लाइक जिनको सिर्फ ना ई स्पोर्ट्स का ई पता है वो बंदे भी आके इसमें खेल सकते हैं। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास इतना हो, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। बस हाँ हीरोज़ तो मैक्सिमम आप सबके 15+ 16+ होने ही चाहिए, ये थोड़ा रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि बैन हो जाएगा तो आप खेलोगे क्या। तो आप अपने टीम को रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, कुछ दिन में आप सभी को मतलब अपडेट मिल जाएगा। अन्नी क्या नाम है आपका? अनिल बैन वेलकम टू द स्ट्रीम मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर द सब्सक्राइबिंग द चैनल। और अरे पर टीम्स नहीं है ना, टीम्स नहीं है ब्रो, टीम्स बनाओ, रैंडम टीम्स बनाओ, कैसे भी करो यार टीम्स बनाओ। देखो टीम्स ऐसा मत सोचो कि तुम लोग कहीं बड़े जगह पे एकदम ऐसा लाइक कर रहे हो बहुत सीरियस मैच है। टीम कैसे भी बनाओ, मतलब ऐसा भी नहीं किसी को भी उठा लो, अपने फ्रेंड्स को उठाओ, अपने मतलब जो भी फ्रेंड है जो आपको लगता है अच्छा खेलता है उनके साथ मिलके खेलो। एटलीस्ट आप कहीं तो पहुँचोगे लाइक आप मतलब किसी जगह पे तो आप दिखोगे ही दिखोगे ना, अगर आप टीम नहीं बना पाओगे। इससे आपको पता तो चलेगा आपकी टीम कितनी अच्छी मतलब आप टीम में आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो या फिर आप रैंडम टीम में कितना अच्छा परफॉर्म करते हो। आई वांट टू ज्वाइन, श्योर मेरे भाई। डायमंड्स ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम, व्हाट्सअप मेरे भाई कैसे हो? TS गॉड वेलकम टू द स्ट्रीम मेरे भाई कैसे हो? आई वांट टू ज्वाइन, हाँ मेरे भाई अभी खेलते हैं। आई वांट टू ब्रिंग पीपल, आई लाइक योर गेम प्ले। अरे यार थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। तो गाइस देखो गिव अवे तो चल ही रहा है, गिव अवे एक और बार अनाउंस कर देता हूँ। टॉप 5 प्लेयर्स को मतलब टॉप 5 जो स्ट्रीम पे होंगे उनको तो गिव अवे मिलेगा मिलेगा, प्लस जो 5 रैंडम होंगे उनको मैं खुद से मतलब कॉडेक्स दूंगा। तो यार ज़रूर से सभी एक्टिव रहना, क्योंकि जो बंदों को मैं ज़्यादा रेगुलर देखूंगा यहाँ पे वो बंदे मतलब मेरे नज़र पर आ जाएंगे, तो उन्हीं का नाम भी आ सकता है। तो मैं किसी भी रैंडम बंदों का नाम लूँगा, ठीक है? और आज तो भाई आज कुछ बड़ा गिव अवे करना ही करना है। एक सेकंड जरा मैं शेयर मार दूं। और बस एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। DG गेमिंग वेलकम टू द स्ट्रीम भाई। और कोई क्वेश्चन है गाइस आप सब पूछ सकते हो। डन डन डन, सारे जगह पे कर दिए, चलो ऑल डन ऑल डन। फिलहाल यार ये मेरे को पता है, मैं वॉइस सुन रहा हूँ तो मुझे खुद को नहीं मज़ा आ रहा है, अब मेरे को चेंज ही करना पड़ेगा। अरे प्रोफेसर अगर कॉडेक्स है देन, अगर कॉडेक्स है तुम्हारे पास तो नेक्स्ट वाला कॉडेक्स ले लेना, तुम्हारा नाम सेव हो जाएगा ठीक है। हेलो जेवी पावर मेरे भाई कैसे हो, वेलकम टू द स्ट्रीम। चलो भाई इतने देखो पहली, हाँ चलो आज पहली बार मेरे को कोई तो वो दिखा। चलो रैंक खेलते हैं, कुछ मैसेज वगैरह आया क्या भाई? वाह वाह भाई वाह, सबर रख ले भाई सबर रख ले। ओके चलो रैंक खेलते हैं यार। ये सबसे ज्यादा ट्रिल्ट वाला चीज ये है, सीरियसली बता रहा हूँ। मैं कभी अगर आता हूँ खेलने ना, तो अगर मैं ज्यादा देर तक ऐसे लॉबी के बाहर रहूँ तो गेम में आने के बाद ऐसे फ्रीज हो जाता है गेम, और ये नॉर्मल होगा ही नहीं। देखो ज़्यादा देर तक नॉर्मल होगा नहीं, मुझे ना वापस से इसको वो करना पड़ेगा लाइक। देखो अभी हो गया, अभी हो गया, सही हो गया। और किसे बुलाओ, इसको बुलाता हूँ मैं। अबे ये क्या है यार, ऐसा क्यों होता है? गेमिंग विथ हरक्यूलिस वेलकम टू द स्ट्रीम मेरे भाई। लव फ्रॉम बांग्लादेश दादा, अरे थैंक यू वेरी मच ब्रो। लव फ्रॉम इंडिया उची आओ भी तो वेलकम टू द स्ट्रीम। वॉट इज कॉडेक्स? कॉडेक्स अगर तुम पबजी खेले हो तो उसमें कैसे रॉयल पास होता है, वैसे क्लैश ऑफ टाइटंस में कॉडेक्स होता है। क्या बोलती पब्लिक, जब सर बिग फैन। अरे ब्लैक बर्ड मेरे भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। चलो लव फ्रॉम बांग्लादेश दादा, अरे भाई भाई क्या कुत्ता खेल टीमी। प्रोफेसर मेरा आईडी एक बार देखो, आईडी ट्रिक्सो, ट्रिक्सो आईडी ट्रिक्सो, आपका आईडी देखना है। ट्रिक्सो है ना, यही है ना? ओके ब्रो देख लिया आपकी आईडी। जीरो वेलकम टू द स्ट्रीम। कॉडेक्स इज अ कैंडी यू ऑन अ हैबिट। अरे वाह, हाँ आफ्टर अ लॉन्ग। यहाँ पे मैच मिल गया गाइस। आज सब लोग लाइक मार दो, जितना लाइक हो सके उतना। अगर यार गाइस अगर आज 100+ लाइक हो जाता है तो यार आज मैं भी एक स्किन की वो पे जरूर कर दूंगा मैं। हाँ अगर आज 100+ लाइक हो गया, सीरियसली बता रहा हूँ, स्ट्रीम एंड होने से पहले अगर 100+ लाइक हो जाता है तो पक्का एक स्किन की वो पे किसी एक रैंडम को मिल जाएगा, किसी एक रैंडम को। थैंक यू सो मच। अरे रे रे रे, अरे भाई मैं यहाँ पे पता है कब से दबा रहा हूँ इसे, लाइक रेडी को, रेडी फ्रीज सा हो चुका था। मैच कैसे मिला तुम्हें? नाइस, वेरी नाइस। क्या बैन करूँ? यॉन पहले। डू यू नो रोहन? या आई नो। Do you know Rohan? हाँ रोहन लाइक एलन प्लेयर ना, पता है ब्रो मेरे, मैंने पता है। Come on, VCT. लिली से मारो। MM तो यार उन्होंने बैन कर दिया है। मेरा क्या खेलने का मन है, वो ही खेलूंगा मैं। मेज भी ले लिया, MM भी ले लिए। I'll not DS. I played so bad, it's so fucking bad. और चलेगा। और भाई मेरा DS तो एकदम लेजेंडरी है। You or something? Enemy में हमेशा क्या हटाते फाइनल? And do anything. भी fill करना है क्या? पता नहीं क्या करने वाला है। Astrid jungling ये support नहीं लेगा। फिर क्या करना है? है तो Airi. I'll not DS change his mind because last roll बचा है support. When his player is IGN in comment. ना When his player is IGN in comment. बंदे इतने कम हैं, मेरे को नाम याद हो गए। अरे भाई Nakroth Grakk हो सकता है। Airi जंगल नहीं यार, आईरी जंगल में मैं मतलब उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है इतना, मतलब मैं आईरी जंगल ज्यादा किया नहीं। आईरी रोड टू टॉप 1 जेनिस भाई, मतलब कुछ भी भाई, पहले वैलन तो चला ले। एडिक्टेड वैलन तो चला ले भाई। अरे वीर मेरे भाई तेते हो, वीर भाई कैसे हो? वेलकम टू द स्ट्रीम। वो दुख हो गया ब्रो, ही इज फाइन बट अरे उसका रोस्टर ऐसे ही है, वो फ्लेम से चीफ को करता है और पूरा 10 मिनट ये फ्लेम अब या बस 10 मिनट फील हो जाता है और फिर वापस आ जाता है बंदा। टाइडस पटेल ओपोनेंट में। अरे भाई 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 भाई, अरे भाई 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 भाई, आपको यान नहीं मिला है? यान मिला है मेरे भाई, यान मिला है ब्रो। विच हीरो टू बाय? आई प्ले मार्क्समैन असैसिन। अगर मार्क्समैन खेलते हो तो आप मार्क्समैन में ले लो यॉन, बहुत ज्यादा बढ़िया है इस वक्त, बहुत ज्यादा मेटा है यॉन का। और आप जा सकते हो यॉन के बाद उस पे हयाते, हयाते तो बैन ही रहता मोस्टली, तो आप लेवल भी जा सकते हो। लेवल भी बहुत ज्यादा ब्रोकन है, प्रूविल्डा बहुत ज्यादा ओपी है। असैसिन्स में आप कुल इनवेड बफ वैरस जा सकते हो, वैरस बहुत ज्यादा ब्रोकन है। एस्ट्रिड भी अच्छी है, बस थोड़ा सा उसका वाइल्डिंग कम कर दिए हैं। भाई ब्रिंग 100+ लाइक फास्ट। तो स्टॉप कर दो, आई विल जस्ट। चलो गाइस, अभी मैं आप सभी के कमेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा डिले पढ़ूंगा, गेम पे फोकस करेंगे। कौन है एनिमी? एनिमी तक नहीं देखा। अच्छा, ओह माय गॉड, मुझको रेड से करना चाहिए जंगल, बट चलो कोई नहीं। बेचारा ही वोंट रीसेट रेड। अरे बोलो आईरी रीसेट। मैं कर देता हूं। इले इल्यूमिनेस करूं। हुक गया, बहुत नॉक हुए। अरे एफ अरे भाई क्यों पीछे पड़ रहा है? अरे पनिश हिम ना, the fuck। Laville in front of you। Bracket here। इधर इलूस पुश्ड आउट, ग्रैक हियर। ओके फ्लैश इज नॉट गुड इनफ। वाह क्या ये, मैंने वहां पे 2 बार अल्टीमेट यूज किया, क्यों ऐसा हो रहा है भाई? छोड़ो एडी लेंगे, छोड़ो हम लोग एडी पे जाएंगे। फ्लैश आउट, टेल फ्लैश आउट। एलुआ जाइए ना, यहां पे आओ, यहां पे। ग्रैक हुक खत्म, पुश करो यार, छोड़ो। द फक मैं गया। अरे एडी की तरह, अगर एडी लेना तो थोड़ा रहो यार आसपास, सीरियसली। हमें भी दे दो सर कोडेक्स। ब्रो डोंट वरी, आज की गिवअवे है, सभी को मिलेगा कोडेक्स, बस एक्टिव रहना चाहिए। यस नो ओ टेल की डैमेज। छोड़ो यार छोड़ो, मैं ऐसे एंगेज ही नहीं कर रहा। आउच ओ फक मी माय बैड। दे लो अबे मां की क्लेंज। क्या है भाई, इतने जल्दी बफ रीसेट हो रहा है? Damn it, bye. Okay, nice. Oh, nice one, Airi. Back. Let me get the bomb. यार कैम करना पड़ेगा हम लोग को. Grakk is also top. तीन लोग हैं top. Player उठा सकते हैं हम लोग. Grakk is in this bush. Grakk is here. Okay, nice one. Good one, bro. Cleanse over. Grakk का cleanse over. Okay. Panda is made. Next here. Black missing. I think it's at blue. Anybody? Kill him first. One at a time. Chicken. How we go mid? Mac missing. Can I reset? I'm resetting. Okay. They are going bot. I'm coming. We can take dragon actually. चुपचाप dragon लेते हैं आजा. They are going bot. You can just leave. I do leave the turret. पूरा टॉयलेट प्लीज. आजा भाई. अरे यार आजा जस्ट क्रॉस. यार लो रिकन डाई. ना बैड प्लेस टू रिकॉल बट ठीक है बोला ना. मैं रेड नहीं लिया. चलो चलेगा. क्या फक. अरे भाई भाग रहा हूँ मैं okay. अरे भाई सो क्लोज. बहुत ज्यादा क्लोज था. अगर सीरियसली अगर एक हिट और लग गया होता ना खत्म था मैं. ओह भाई सीरियसली वैरा जंगल है अच्छा मगर ना क्या है ना उसका पैसिव से बचते हैं ना तब दिमाग खराब हो जाता है. क्लेंस है चेंज रखा इसका. टेल पे ही फार्म है और कोई नहीं. ये टेलस फार्म टेल को शटडाउन करना पड़ेगा. एनिमी मिसिंग है इतनी देर से. मे बी डीएस. टेल इज गोइंग टॉप. ओके टॉप आ जाए. लेट्स हार्ड डाइव टॉप ना. थोड़ा सा लेट था मैं. ब्रैक नो हो थोड़ा सा लेट था. लविल गो इन. वी आर मेड. फक दिस. आराम से लोग टाइम लगेगा आने में. जस्ट लो कम बैक. बस खत्म. टॉपिक खत्म. क्लेंजिंग है क्या. यू विल गेट क्लेंज. Cleansed. Get one after another. बहुत बढ़िया. Let's take this tower. It's okay, ये tower लेते हैं पहले. हाँ ये ले लेते हैं. Bye. I'm coming. Holy shit. Oh, he's flashed. Oof! I nice. Normal attack. So but close. But where is that? Close. So close. अरे भाई. मौत को छू के वापस आ ही रहा था भाई. अरे टीचर सिखाना वेलकम टू द स्ट्रीम मेरे भाई. व्हाट्सएप कैसे हो. ओ भाई. नाइस ट्राई. ओ नाइस डेनी. बट चलो I'll hold for Danny. Guess 5.9. Just go with him this one. It's weird हो गया. मैंने बोला नहीं. DH check someone. Coming. Let me check. The fog CC. OP. End up, I'm tanking. Back. Shut up. Oh, Laville's got damage. Oh! Fuck, my bad. नहीं जाना था वेरस. My bad. अरे यार ये क्या लिख के आता है यार डॉट. अरे यार ये टॉन्ट क्यों जा रहा है वहाँ पे? इसको ऊपर करो वरना बंदे बोले कि टॉन्ट कर रहा है. अरे यार. Airi oh proxy I mean, नहीं होगा वो होगा मिड वेव डेनी अच्छा रुक जा मैं मिड ले रहा हूं टॉप पे जा रहा हूं. अरे यार इस बार तो रेड ले लो. आजा द फक एक बार नहीं मिल रहा मुझे रेड. 24 क्लेंस आ जाओ. Watch the okay नहीं नहीं सीरियसली पता है बफ में आ जाओ सो जाओ उधर ही. आ रहा हूँ मेरे कॉल करके. Yeah exactly I'm gonna just take a punishment. इसके मैच को मार सकता हूँ. नीड बैकअप का मैच जाएगा. 32 33 चलो डूड गोल्स तो यार सारे गोल्स ले रहे हो सारे लेंस के. अब इस बार रेड निकाल के जाऊंगा. ये आ गया, ये वापस आ गया. Noise bad. Yes, Professor AFK. They all are coming. ना मैं AFK नहीं हूँ भाई. Wait. All yours, Danny. Fuck, aim the ADC. बहुत बढ़िया. Come, Danny baby, आजा. पकड़ उसको पकड़. अरे भाग गया वो. हाँ बिल्कुल टॉप. गेट मेड समन इस कुछ नहीं. अरे आईरी मरा. ओह माय गॉड प्रोफेसर रन. अरे टावर. अरे यू गोना टैंक ऑल द टावर शॉट्स बे ओपी. ओके नाइस चलेगा. प्लेयर स्टार्ट करो. मिड नहीं जा पाया यार माय बैड. इसको लास्ट हिट लगा नहीं. अरे डेनी ये साइड गेट गॉट ना भाई. अब जाऊंगा मैं तो झुका के वैसे. बैक डेड नाइस. बैक वर्कआउट आराम से No cleanse, Denny. Workout. Back. 15 for cleanse. So much. He didn't mid turret there. Wait. What's that something? 5 for cleanse. उसके बाद we can fight. Actually, I want to take the turret. Hey, Denny. किधर है? अच्छा आजा. Rukja, don't pick a fight. Aja. Ah, that's sad. Okay. Just been slow. अबे माँ की आंग cleansed. Tell देख. अरे ये oh fuck. अभी डेटा. 5 seconds ult. 5. Oh dice. I told you अभी डेटा. Denny safe. Mid. I'm coming. वो पड़ा नहीं यार ult मेरा. अच्छा Denny will push. अच्छा मेरे को. Okay get Nakroth. आजाओ. Just clear waves. Denny stay behind ना. आजा they're gonna come from the side only. No ADC. Come on top. Professor top जाओ. Airi. अरे Denny why you going? अरे भाई सब लोग टॉप चले जाओ भाई यार भाई क्यों गया यार लेवल तू तुझे रहना चाहिए था मैं जा रहा था फिर आ जाओ टॉप से पुश कर लो टॉप अरे एफ कोई ना बैक डोंट एंगेज हां वी नीड प्लेयर तो रॉन्ग मोमेंट पे मरा तू ले लिया रेड चल के प्लेयर अरे यार वो इनफैक्ट ए विजन चाहिए हां वी विल डाई देयर नो पॉइंट देना आजो यस फाइन ब्रो उसका अल्ट खत्म हां चलो शुरू करो हो गया बस ले लिया मैंने ले लिया वन काइट बात है तो सही एमएम स्टन ले लिया मैंने बैक मत छोड़ियो मत ये मैच एमएम ब्रो या वेयर इज कमिंग फक दिस व्हाट द फक इसको पकड़ इसकी मां पकड़ मार बे लोडे नाइस वन ओ माय पुश मिड भाई डोंट टैंक भाई वो स्लेयर जो था ना अरे नो आर्मर पियर्स क्या द फक इज दैट जो डैमेज इतना लेट गेम इज स्टिल सर्वाइविंग अरे थोड़ा टैंक कर रहा हूं जल्दी ले टावर लो चलो थोड़ा हां वापस दो शॉट एंड करो एंड स्प्रेड आई एम गोना क्रॉस अल्ट करेक्ट जीजी बोल गंदा फ्लेयर ओ भाई क्या गेम था भाई ये गाइस लाइक मार दो यार सभी बहुत सेक्सी था इसमें जो स्लेयर हुआ ना भाई जो स्लेयर स्टार्ट हुआ 18 प्लस भाई अभी 18 प्लस की स्ट्रीम है जैसा भी ये चलेगा बस अब हो गया लाइक थोड़े बहुत तो नॉर्मल वर्ड्स तो निकलेंगे सभी के जब जोश में आ जाते हैं सभी अरे प्रोफेसर भाई बिग फैन मैं प्योर मैन नॉट द रियल वन अरे आयुष मेरे भाई वेलकम टू द स्ट्रीम मेरे भाई बिग फैन ओ भाई क्लोज कॉम्बैक बढ़िया था गेम मेरे को लगा सबसे गंदी रेटिंग मेरी है क्योंकि मैं एंगेज ज्यादा किया नहीं मैंने सिर्फ मेज और एमएम के पीछे पूरे गेम में पड़ा हुआ था कि इनको पहले कैसे भी करके खत्म करो चल यार मजा आ गया 5 मिनट करना है क्या those who do not know pain will never understand true peace. Whereas MVP Slayer लिया अरे भाई वो Slayer लिया ना वो Slayer वाला बेस्ट कॉम था वो जिस जगह पे Slayer लिए थे सीरियसली 5 मिनट कर रहे क्या बुला ले उन लोग को अगर वो लोग आएंगे तो अच्छा खेले वो मतलब अच्छा खेलते ही हैं बट वो लोग आई गेस क्यू हो गया होगा उनका और बुला ले और कोई है उन एक और था ना इनवर्नो है एक मिनट इनवी को बुलाता हूं हां बुला लो भाई सब्सक्राइब तो बहुत टाइम से रखा है पर टाइम नहीं मिलता आने का अरे मेरे भाई कोई नहीं सब खेलते ही तो हैं वैसे भी मैं इतने दिन से स्ट्रीम नहीं कर रहा था आज कर रहा था आज गिव अवे की वजह से किया हूं मैं अभी थोड़ी एक मैच का हो चुका है तो गाइस मैंने ऑलरेडी बता रखा है 2 तरीके का गिव अवे होगा एक तो वो जब मैं बोलूंगा तो आप सभी को अपना यूआईडी और आईजीएन को यूज करना है जिसके सबसे पहले कमेंट आएगा यहाँ पे मुझे दिखाई देगा उस बंदे को मिल जाएगा कॉडेक्स जैसे ही मैं बोलूंगा आप लोग अपना रेडी करके रखो ठीक है तो टॉप 5 रैंडम्स को तो मिलेगा ही प्लस जो भी स्ट्रीम पे है टॉप 5 बंदों को उनको तो मिलना ही मिलना है तो कुछ नहीं करना आप सभी को स्ट्रीम को शेयर करना आगे और हाँ एक और ट्विस्ट ये है कि आज अगर 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो एक लेजेंडरी स्किन दूंगा मैं एक लेजेंडरी स्किन अगर आज 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाते तो स्ट्रीम खत्म होने से पहले एक लेजेंडरी स्किन किसी भी रैंडम बंदे को एक लेजेंडरी स्किन तो चलो आज अगर 100 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो शेयर कर दो, जो कर सकते हो सब कर दो। एक लेजेंडरी स्किन, नॉर्मल स्किन भी नहीं, एक लेजेंडरी स्किन देंगे, कोई भी एक जो तुम बोलोगे वो वाली एक लेजेंडरी स्किन 1299 वाली। इससे बड़ी कोई अब गिव अवे मैं नहीं कर पाऊंगा, बट अभी 17 तारीख तक ही वापस आऊंगा, इसलिए आज मैं सबसे बड़ा गिव अवे कर रहा हूँ, लाइक 10 कॉडेक्स समथिंग एंड प्लस ये कर लेना सभी। क्या बोल रहे हो स्ट्रीमिंग? हाँ मेरे भाई स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं बिना तो स्किन और फीड ये लोकट हो गया शुरू। अरे भाई कब आईडी ट्रिक्सो, हाय द एक्सक्यूज ब्रो, व्हाट्स अप, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हालचाल मेरे भाई? अरे यार इतनी गर्मी लग रही है मैं क्या बताऊं, आपको फैन ऑन करके आना पड़ेगा। ठीक बोलो, अभी भी पॉइंट्स काउंट हो रहे हैं। हाँ तो मेरे भाई पॉइंट्स तो अभी भी काउंट हो रहे हैं, एक्सेलरेटर टॉप करके देखो, मैंने बॉट वगैरह सब कुछ सेट कर रखा था तो सबका हो चुका है, देख लो। एक्सेलरेटर डाल के टॉप डालो मिल जाएगा। किन हो रहे एफके लेमाओ भाई अबे सालो तुम्हारे मेरा अकेले का रैंक नहीं जाएगा, वैसे भी मैं अभी पुश नहीं कर रहा हूँ, मेरा 70 के बाद ही पुश करूंगा, तुम सभी का जाएगा, तुम सब जो पुश किए हो। ठीक है ठीक है, तुम लोग करना और मैं रिपोर्ट कर दूंगा, ठीक है मैं रिपोर्ट कर दूंगा, सब दे दे हमारे चैनल पे। अरे भाई मैं आधे से ज्यादा मैच हारता हूँ ड्यू टू बैड टीममेट्स। ये दुख, ये दर्द, ये पीड़ा भाई, ये मैं समझ सकता हूँ, इस पीड़ा को मैं क्या ही कह सकता हूँ आपको, ये सारी पीड़ा हमने भी झेली हुई है और झेलते हैं, अक्सर झेलते हैं। मैं तो अभी क्या बताऊँ, मेरे पास ऐसे कोई मैचेस हैं क्या मैं जिसको आपको दिखा सकूँ? देखो देख रहे हो पहली मैच ये देखो गाइस, ये इसमें आप देखो ये मैच में कितनी पीड़ा हुई होगी, ये वाला मैच खेलने के बाद बहुत अच्छी तरीके से जीत रहे थे, लेकिन छोड़ो इसका क्या रीजन था छोड़ ही दो, मैं क्या बताऊं। दूसरा मैच ये देखो कितना पीड़ा होगी इस वाली मैच में, इजी विन था ये भी गेम बगैर, नहीं ऐसा नहीं कि टीममेट्स बेकार थे, लेकिन टीममेट्स ने पीक ही बेकार लिया था इसमें, तो क्या ही कह सकते हैं हम लोग। बाकी तो देखो ये देखो ऐसे ऐसे मैचेस में कितना दर्द कितना पीड़ा होती है, सोचो। इसमें तो टीम भी अच्छी थी मगर समझ रहे हो, और ये मैच तो भाई ये मैच अब तक का एपिक मैच था, देख लो गाइस ये मैच हम लोग कैसे आ रहे हैं। ये देखो इस मैच में सीरियसली मैं बता रहा हूँ मैंने ट्रोल किया था, इसलिए कि मेरा दिमाग इतना खराब हो गया था कि मैं कब से सोच रहा हूँ अब जंगल करूंगा अब जंगल करूंगा, तो मैं जंगल मिल ही नहीं रहा मुझे, तो मैंने जबरदस्ती इस मैच में जंगल लिया था वो भी AOI सेकंड टाइम खेल रहा था मैं। तो ये भी मैच भाई जैसे तैसे जीत ही गए थे, मगर सामने भी टीम अच्छी थी यहाँ भी टीम मतलब थी ठीक ठाक, हो गया भाई। तो बस भाई ऐसे चलते हैं हमारे भी मैचेस, इतना कुछ खास नहीं है मगर ठीक है। प्रोफेसर 50 कॉडेक्स ब्लेसिंग देगा, वाटी लाइक करो। अरे भाई तुम लोग का तो अलग ही चल रहा है यहाँ पे, मैं इधर अलग दिखा रहा हूँ सभी को। मैं इतने दिन से कहाँ थे, एग्जाम खत्म हो गए? नहीं मेरे भाई एग्जाम खत्म नहीं हुए, एक्चुअली मैं आज यहाँ पे कॉडेक्स का गिव अवे करने आया हूँ, कल तो संडे है इस वजह से आज थोड़ा स्ट्रीम कर लेते हैं, आज थोड़ा बातचीत कर ले, सबको लगे कि हाँ भाई हूँ मैं, पासवर्ड भूला नहीं हूँ चैनल का, सबका यही कमेंट रहता है। तो मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी अगर आप चेक किए होगे तो वहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी लिख के बता दिया है, वहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था कि एग्जाम्स के कारण मैं नहीं कर रहा हूँ स्ट्रीम, वीडियोस रेगुलरली आते रहेंगे। अभी देखो मैंने एक वीडियो एडिट करना बाकी है तो वो वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगा, वो भी हयाते का गेम प्ले था, बहुत अच्छा गेम था, लाइक ट्रोल गेम था, बहुत अच्छी तरीके से जीते वो लेट गेम, तो वो वाला मैच बहुत बढ़िया था, तो उसकी भी गेम प्ले वीडियो आएगी बहुत जल्दी। 02 आजकल नहीं दिखता या दिखती जो भी हो अरे आजकल के आज ही तो स्ट्रीम कर रहा हूँ, हो सके तो आएगी वो। Even I have codex already, send next codex to my ID। अरे मेरे साथ खेलना एक बार प्रोफेसर भाई। अरे मेरे भाई क्यों नहीं खेलेंगे, हम लोग खेलेंगे, अभी कस्टम्स भी कर लेंगे, अगर ज़्यादा लोग हैं तो कस्टम्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेब जब था जे भी था, अच्छे टीममेट्स कहाँ मिलेंगे? अच्छे टीममेट्स नहीं मिलेंगे, ऐसे नहीं कि अच्छे टीममेट्स नहीं मिलते, अच्छे टीममेट्स मिलते हैं तो कभी कभी पिक बेकार हो जाती है, तो देखो यार ये मोस्टली ये कि देखो जितना अच्छा खेल सकते हो ना आप उतना अच्छा खेलने की पूरा अपना ट्राई बेस्ट करो पूरे मैच में। ऐसा है कोई एक क्रिटिकल टाइम आ जाता है जिसमें ना आप शुरू से अच्छा खेलते रहते हो, लास्ट तक अच्छा खेलते हो तो आप जीत जाते हो, सामने वाले का गेम थ्रो हो जाता है। तो ऐसे चांसेस मिल जाते हैं यार। कौन हक दिया देखो, इसका लैग हो गया था, इसका गोविंद का लैग हो गया था। रुके रहो आएगा वो। कॉडेक्स 5 कॉडेक्स यूआईडी कमेंट करने वालों को मिलेंगे, किसी रैंडम को जो जिसको मैं देखूंगा भाई मैं अपनी तरफ से दूंगा, वो जो मुझे लगेगा लाइक वो है यहाँ पे। तुम टॉप 100 में आते हो क्या ब्रो? अभी तो इस वक्त मैं नहीं हूँ शायद ना, मैं नहीं हूँ ना इस वक्त नहीं हूँ, मैंने रैंक ही नहीं पूछ किया एग्जाम्स के कारण। तो जो भी है 20 प्लस कितने टॉप 100 में कितने स्टार्स हैं? 30 आ गए। लूसीफर पहुंच गया लॉल भाई, ये बंदा खेल रहा है, मैं नहीं खेल रहा हूँ अभी। पिछले सीजन हम लोग गए थे ब्रो टॉप 5 टॉप 4 टॉप 6 टॉप 10 के अराउंड ही थे। इस सीजन भी कोशिश करेंगे एंड लास्ट में देखते कहाँ तक पहुँच पाएंगे। इस बार 70 तक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बट पहुँचेंगे, टॉप 50 तो पहुँच जाएंगे ईजी। भाई मैंने फॉलो कर दिया इंस्टा पे आपको, अरे थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। देखो इस पूरे गेम में यही है इंपॉर्टेंट कि देखो अगर आपके पास अच्छी टीम है ना, जो बिगिनर्स उनको बता रहा हूँ वरना बोलेंगे भाई ज्ञान दे रहा है। बिगिनर्स को बता रहा हूँ, जितने भी नए बंदे हैं इस गेम का यही एक पूरा मेन मोटो ये है कि आप जितने अच्छे टीम के साथ खेलोगे या जितना अच्छा टीम कॉम्प में खेलोगे वह उतना आप जीतोगे। आप अगर ऐसा ले रहे हो लाइक 3 मेज 2 जंगलर 3 जंगलर तो नहीं हो पाता भाई गेम। बाकी ज्ञान यहाँ डॉच किसने किया? एक ही तो नूब है हमारे इधर पूरे गेम में, उसने किया, तू ही तो किया। ये डुअल ने किया ना, डुअल ने। अरे बाप रे बाप सर, टीममेट्स को एनिमी में कैसे भेजे ट्रोल से बचने के लिए? ऐसे नहीं हो पाता। मैं हमेशा ये सोचता हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, कितनी बार टीममेट से मैंने कुछ झगड़े कर लिए हैं इसी बात पे। ऐसा होता ही नहीं, बहुत रेयर होता है। वो तुम्हारे साथ वापस आ जाएंगे लेकिन तुम्हारे एनिमी में नहीं आएंगे जल्दी। अपने इंडियन सर्वर में चाइनीज या दूसरे कंट्री के प्लेयर्स भी हैं क्या? हाँ ब्रो है ना, थाईलैंड के प्लेयर हैं, मे बी वीएन के भी हैं। चाइनीज़ का मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक चाइनीज़ प्लेयर को नहीं देखा था। वो कुछ इंडियन है जो चाइनीज़ में नेम रखे हुए हैं, वो बात अलग है, मगर चाइनीज़ प्लेयर को मैंने अभी तक नहीं देखा इसमें। व्हेन इज टॉप गेटिंग कॉडेक्स? मैं तो वेटरन 4 हूँ। अरे वाह भाई, मैं सोलो खेलता हूँ, अच्छा टीममेट्स मिले तो अच्छा रहता है। हाँ मेरे भाई ये भी है, सोलो प्लेयर्स के लिए तो भाई दुख पीड़ा बहुत होती है, मैं समझ सकता हूँ। कोई तो स्नाइप करके आया रहेगा, करने देना, स्नाइप करने दे। क्या करे पड़ो, जंगल रहे गोविंद। क्या है पता, मैंने एयरफोन लगा रखा है, चार्जर दोनों, तो ना तो ऐसा स्पीड खेलने के लिए ना ये फिंगर मेरा हो नहीं पा रहा, जमता नहीं अच्छे से। थाई क्या बस डिलीट भी कर दिया, अभी पढ़ा भी नहीं था। तुमने वाइल्ड रिफ्ट खेला है कभी प्रोफेसर? नहीं मेरे भाई, मैंने वाइल्ड रिफ्ट मैंने एक बार डाउनलोड करने। ए भाई सेव मारो सेव मारो सेव मारो सेव मारो। हाँ अबे यौन क्यों छोड़ दिया भाई, यौन क्यों छोड़ दिया? लंबर मिल जाता अपने को। अब एनिमी लेगी यौन, रुजा रुजा पिक कर लेता फिर मैं बताता हूँ। ओए प्रोफेसर एलेंडर खोल, खेल एलेंडर खेलना है, जाने दो, ऑलरेडी बैन है, बैन है यहाँ पे एलेंडर। कस्टमर वो कैजुअल रहता तो खेलता, मैं रैंक में खेल लूँगा मैं इसको, मगर क्या ना अभी तक मैं इसको एक ही मैच खेला हुआ हूँ तो मेरे को ज़्यादा वो नहीं है इसका, मतलब कुल मिला के जंगल मेरे को दे रहा है। जुका ले ले, हाँ जुका ले ले गोविंद, बढ़िया रहेगा। मैं स्कर्ट जंगल जा रहा हूँ, ठीक है? ये थोड़ा ऐसा है कि चलो हो जाता है, लेट्स प्ले सस्ता स्किन। अबे सुन ना, मैं वायरस लूँ कि स्कर्ट लूँ? देख लेट गेम के लिए मेरे ख्याल से वायरस ठीक रहेगी, सॉरी यार, स्कड स्कड ठीक रहेगा। अबे मैं ये स्कड लूंगा तो यॉन के लिए अच्छा रहेगा। स्कड ठीक रहेगा। उसके लिए सही भी रहेगा, यॉन को लाइक उसको डिफेंस बढ़िया मिलेगा, डबल टाइम गेम में, डबल टाइम। अरे नहीं हो मेरे भाई, नहीं मेरे भाई, इग्नोर नहीं कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली यहाँ पे देखो कमेंट्स ऐसे हो रहे हैं ना कि जो मेरे को दिख रहे वही मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे पिक ले रहा था ना मैं। बोलो ना, बोलो वापस से बोलो ना, देखो मैं ऊपर देखता हूँ। ये ऊपर तुमने स्माइल दिया है और क्या है इसमें, इसमें क्या रीड करना है? एमिली एओआई एओआई, अब तो ले लिया मैंने, पिक ले लिया। वाइल्ड रिफ्ट के गोल्ड प्लेट प्लेयर इक्वल्स टू चैंपियन क्लैश ऑफ टाइटन, नो क्या? अच्छा देखो वाइल्ड रिफ्ट मैंने खेला नहीं, मैंने डाउनलोड किया था, वो ऑन हुआ नहीं मेरे से बहुत पहले। हाँ बहुत, जब नया नया आया था गेम वो, तब। उसके बाद से मैंने आज तक अभी उसको वापस किया नहीं, क्योंकि यार देखो मेरे को उसका जो बिल्ड्स और वो है ना, तो मुझे थोड़ा सबसे इम्पोर्टेंट वो उसके चार कंट्रोल्स, जो चार S1 S2 S3 S4, वो देख के मुझे तो और ज़्यादा वो लगा कि चलो नहीं होगा भाई वो। अभी फिलहाल देखेंगे अगर गेम लॉन्च होता है इंडिया में तब देखते हैं। ओ माय गॉड, देखो कोई बोल रहा था ना, कोई अदर कंट्री के प्लेयर्स हैं सामने, हैं एक बंदा। अभी तक मिनातो बहुत बोल रहा था पिछले गेम में, इस बार पूरा शांत है। Yeah, I didn't know you were streaming, bro. That's why. Obviously, I won't. मैं रेड से स्टार्ट करूँगा। छोड़ जाना दो। उधर एक नीचे एक फर्स्ट ब्लड निकालूंगा पहले, वरना ऊपर सब से। टॉप ऑन एमिली कौन है? टॉप ऑन एमिली? देखो ब्रो, टॉप ऑन एमिली मुझे नहीं पता। ब्लू शॉट है। फिलहाल खेलने वाले बंदे बहुत हैं जो एमिली बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं। अरे लेकिन हाँ यार, इस सर्वर में मैंने एक ही दो बंदे को देखा है एमिली खेलते हुए, सबसे ज्यादा स्पैम करते हुए। एक कोई है डार्क ब्रेकर नाम का बंदा, वो और एक और कौन था, एक एमिली जो स्पैम करता है, और अपना सस्ता काइसन। हाँ वो सस्ता काइसन, मैंने काइसन को बहुत कम देखा है एमिली खेलते हुए। थैंक्स फॉर द मीट। अच्छा कोई मिड लेता होगा तो मत लिया कर यार। अरे नहीं मैं बता रहा हूं, मत लिया कर यार। अरे यार मेरी आदत है, मैं फार्म में हमेशा लेवल 4 नहीं होगा ड्रैगन के पहले भी। माय बैड, सॉरी। शेयर करेंगे, समझ सकता कोई अगर मिड लेता तो कितना कितना गुस्सा आता है। सीओटी और वाइल्ड रिफ्ट डिफरेंट तो लेट गेम ले चलेगा, अर्ली गेम नहीं लेने का। अरे यहां पे आ गया। अरे थोड़ा लेट, क्रेसी के पास सन नहीं है आराम से। Blue, jungler is here. Yeah. Okay. Dragon or yes, क्या लेना? AD. पटाके। Flicker use है इसका। What the fuck? तीन है। अबे कितना stun दे रहे हैं ये लोग? Back छोड़ो। इतना ज्यादा stun दे दिए इन लोगों ने, लगता है पूरा ability use कर दिया। यौन गया यार, यौन पैक रहो यार, छोड़ो चलो तो एंगेज मत करो। मुझे एडी स्टील करने का सोच। डीएस जा। अरे गोविंद जा यार, डीएस जा, मत ले एंगेज, बिना वजह का मर जाएगा। अभी मैं स्टील करने की कोशिश करूंगा इसको बस। नाइस वॉकआउट, शायद बच पाया तो मिलेंगे फिर से। मार देना, छोड़ जाने दे, चलेगा कोई नहीं। एडी मिल गया ना, माय बैड, कोई नहीं। थोड़ा बैकअप होता ना वहां पे, बच जाता ना। अरे वो वाला डार्क ब्रेकर ने यार, इंडियन सर्वर में भी है एक डार्क ब्रेकर। अरे रुको यार, मैं रेड से करूंगा, अब मैं ऊपर ही आऊंगा, छोड़ो देखो। मोमेंट्स बहुत कम है। डीएस ले लेगा लोग, डीएस पर डीएस गोविंद स्टार्ट करना। डीएस अगर लेना है तो स्टार्ट कर दें। अरे ये आ गई, ये हमेशा रहती है। बैक रे, छोड़ जाने दे। वो है वहां पे, कीड़ा से बच के रहना। एलेन और क्रिक्सी मेड है, लो लो यू कैन स्टार्ट हियर आराम से। आजा एम ब्रो, 1 फाइट होगा। आई एम अहेड ऑफ दिस थिंग। हां हां लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। यू नो लो है वैसे मे बी ना है, जस्ट प्रेशर देम। वो आएगा वो अल्टीमेट यूज करके आएगी, मालूम नहीं नहीं ले पाएंगे आई गेस, ले लेंगे पे। ओह एफ वी विन दिस फाइट, वी विन द फाइट, वी विन द फाइट। ओह बैक 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 बैक, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जाने दो जाने दो। आई एम लो बैक। यार स्लेयर भी गया, आई एम ऑन गोल्ड। ये तो वो वाला सीन हो गया, भंडारे में गया था, चप्पल भी गायब हो गई, भंडारा भी गया था। स्टोल द प्रोफेसर, मत लेना वो, मत लेना प्रोफेसर वो मत लेना। हां ना लेना ना लेना। अरे आई एम गोइंग फॉर भाई, दो वेव चले गए मेरे। अरे यार दे आर टेकिंग माय ब्लू। ना ना आई एम कमिंग आई एम कमिंग आई एम कमिंग आई एम कमिंग। पड़ा छोड़ो 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 छोड़ो, लेंस खत्म। चलो अटैक अटैक अटैक। बाप रे उसके एमएम का डैमेज, डैम। We get this, we get this, we get OP, this. OP, OP, nice. OP, OP. बहुत sexy. Top. अरे यार recall हो, मैं यहाँ पे comment पढ़ रहा था। मुझे दे दे Codex. I know that's why I said a very tough game Wild Rift. हाँ Wild Rift tough game है, पर जो खेलते हैं उनके लिए normal है, like जो उसको। ना ना bro क्यों flash? Why? Why did you flash? कौन ठगा कौन ठगा? तो विन गया सी ऑल थ्री मेड कम टॉप। वो विन ले देगा। एलन जा रहा है तेरे पास, देख लेना। यार इसके एमएम को एक बार घुस के मारना है, अगर मैं डाइव करूं ना मारना वाला चाहिए। भाई बहुत ज्यादा ये उछल रहा है ना। चले ओ चलो मेरे पे स्टंड। पूरा टावर डैमेज मेरे पे, पूरा टावर डैमेज मेरे पे। बैक 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 प्रोफेसर बैक हो रहा हूं मैं, बैक हो रहा हूं। अरे यार किरा आ रही है स्टे क्लोज। अरे बॉट लाइन बैक किरा आ रही है। अरे यार बॉट वो भी लेंस तो क्लियर कर। क्या तब फक क्या हो रहा है ये? मैं वो नहीं हो रहा है, छोड़ो। उनो रिवर्स बेबी, आउटप्लेड मैन। उनो रिवर्स किसने पेला वे? अरे भाई बहुत सेक्सी यार, बहुत सेक्सी। अरे बॉट पे यार मार रहा है योर टीयर टॉप विल गो। अरे मैं इसका रेड भी लेके आ गया, मेरे को लगा मेरा ब्लू है। आई एम डेड। अबे साले इसका स्पीयर लग गया, उसका। आई कांट डू एनीथिंग। यार आजा विल स्वैप इन मिड पे। अरे यार वो लोग लेंस पे फोकस कर रहे हैं। थोड़ा मेरा बिल्ड बन जाने दो, डायरेक्ट मैं लेता हूं फिर बताता हूं। बच के योन बच के। वो क्या कूदेगा तेरे पे, जंप करेगा। को लगा ही था जॉन जाएगा। जिस ये एलिस, अगर एलिस कभी भी आगे आ जाए। S1 कैंसिल कर दिया इसने। ओके अटैक नॉट टनल डैमेज रिड्यूस। बैक 4 ऑन अल्ट फ्लैश आउट। बहुत सेक्सी भाई। बैक एलिस करती है बस। पीछे भाई उसका एमएम का डैमेज सही है। हां रिकॉल करके आओ। चलो वो बढ़िया है। वांट अटैक अटैक। दे आर ऑल डेड एज फक। ओ द फक। ओ ब्यूटीफुल ओपी। हां ओपी टेक मर्ड। शिट एनवी स्कोर देखते रहा। हां वही तो देख रहा हूं। 10-1-2 हाय YouTube। और डायरेक्ट हाय YouTube। इधर है कोई? अच्छा कीरा है। डिड वी गेट? हेलो कराथेन, वेलकम टू द स्ट्रीम मेरे भाई, क्या हालचाल? अरे भाई नेक्स्ट लेवल चल रहा है गेम अभी। ये क्या था? सीएलएन ए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एडी 2 टॉप 2 मिड। मे बी वो स्लिम्स ना है। चलो ले आएगा आराम से फ्री अपने। चलो कोई ना, मैं रेड लेके आ रहा हूं। स्लिम्स इज हियर, स्लिम्स इज टॉप। पता है he's alone, we can do wait, he's alone. Wait, I'm coming. okay reset ho gaya, ruko main kira bush mein they have double. तुम्हारा तो एग्जाम था ना? अरे कल संडे है, मेरा प्रैक्टिकल्स हो गए, अब एग्जाम्स 11 से हैं तो आज मैं कर रहा हूं स्ट्रीम। सेव दुआ को बचाओ। अबे भाई ये तो सोचा कि अब तो किल मिलेगा, ये भी किल ले लिया। One second, let me spot. कहाँ है क्रिक्सी? Okay, one here, two here. ले लेंगे I guess. चलो। Okay, मेरा build आ गया man, जो आना चाहिए था। अब डरने है। Yon, okay रुक जा, I'm coming. Yon रुक जा। Slims भी मिड में। किरा इज यार बस। क्लियर एंड देन वी गो बैक। थोड़ा टावर्स लेते हैं ब्रो। अबे किसी एक को मारना पड़ेगा पहले। रुका सेफ। एक साइड का लेना अगर निकालना है तो। इसका आई गेस यहाँ पे कीरा है। क्रिक्सी यहाँ पे 4 लोग है टॉप पे। ब्लूज अप। ये गया। चलो। आ जाओ। अरे छोड़ पीछे आ जा, बस हो गया। एलिस का बिल्ड क्या है? डैमेज तो है और ओपी। आई एम कमिंग, बना दो ये कर जाएगा। अरे ये देखो ये लोग एकदम टाइम पे पहुंच गए। यहां पे कहां पे छोड़ना है? डीएस कहां छोड़ूं? मिड। अपने आप पे छोड़ गया। मिड छोड़ दे। चलो छोड़ दो। वो साइलेंस पड़ा। अरे टावर लो। मैं गया। किल चोरी नहीं क्या? नहीं लिया। किल चोरी तो लंबर ने किया मेरा, वहां पे अल्टीमेट देके। अरे टावर की स्लो अल्टअप। लॉर व्हाट इज योर अल्ट? चल ना, बहुत वॉकड ऑफ बट स्टिल डेड। मैं गया। ये नो मिनियंस नहीं है, जा ड्राइव स्लेयर है ये। बोल रहा हूं मिनियंस नहीं, लेकिन यही अच्छा है कि 2 टाइम का ये बेनिफिट होता है गेम में। लॉर यू आर अलोन? या नो, आई एम थिंकिंग टू गो एजेस और ट्राई। आई एम गोइंग फॉर दे हैव डबल एपी। बट उस triple AP, but only Kira has damage, no one else has. Blue up, scud aaja, blue pe will fight. Aa raha. I guess wo Kira top push karegi. Abey nice move. F kaun fasa? Ye raha. Ye aa rahi Kira bach ke. वो वापस से भाग गई। छोड़ नहीं जाएगा मेरा। बैगरो। हां, सी किरा। अल्टा पड़ा नहीं। ओ नहीं लगा, लास्ट हिट नहीं लगा। गेट बॉट। हां। बेचारा योन। तो मार के जा रहे थे। बस हो गया पीछे। ये क्या इसमें टैग जाएगा। क्लोज। बैक हो जा। छोड़। बैक हो जा। क्लोज था भाई। एक्सपेक्ट दैट। मार्जा आएगी। हां मार्जा आने वाली है फिर एंजो। शी चेसिंग। ओ मेरा लैग हुआ पता है यहां पे। ये टाइम पे लैग हो गया था अभी। ओके लेट हर कम नेक्स्ट। ए रेड लेने दे। आई लव रेड ब्रो। एलन दादा यहाँ पे छुपा हुआ है। नहीं, बैक। इवन आई थिंक दे आर टेकिंग डीएस। ओके इज कमिंग। रुक जा, फाइट लेते। आई एम कमिंग। वेट। हां ले लो फाइट। अरे ये अल्टीमेट बैक मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे मूवमेंट्स खा गए। आई एम टैंकिंग। ओ भाई सो क्लोज। पिल दो तुम लोग। bro. Come on, come on, come on. Just go top. Bro, silence, yaar. Oh yaar. Forever silence. इतना CC ना. Top लो, top लो, top लो. आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ. Yon Bab, bro. Yon Baba. I think you can end if you can try to. Fuck, end it. End. GG. Or. Can you? Oh, daddy. GG man. Jay Mataji. Maro salam. Oh, my next level. Hey, Lucifer. Welcome to the stream, मेरे भाई के. Welcome, welcome, sir. वाईफाई खत्म हो गया लॉल मेरा वाईफाई पे चल रहा था इतनी देर से स्ट्रीम फक चलो जीजी आई विल कम लेटर बाय चलो जी कहां गए वो दोनों ओ भाई आप पढ़ लेते कमेंट सभी के क्या हालचाल सभी के बहुत दिन बाद अरे यार ये अब भी दिख रहा है लॉल खत्म था ना गेम में तो पता है मेरा जो स्ट्रीम है ना वो इतनी देर से डेटा पे चल रहा मतलब चल रहा है फोन में दूसरे फोन में पूरा डेटा खत्म हो गया बंद हो गई थी प्रोफेसर को सी पसंद है ची एक्सा ये क्या प्रोफेसर मेरे को कॉडेक्स दे रे बाबा अरे टेंशन मत ले आज है आज सभी के लिए गिव अवे है देखना आ गया ना सभी को सोम जयसवाल और वीर सिंचन ब्रो तू एक पॉइंट से कम है कम हो तेरा पॉइंट कर बहुत ज्यादा क्लोज है रजत और रजत वर्सेस हो जाएगा तेरा भी हो जाएगा वाह डैनी के साथ खेल के जीत रहा हाँ अरे कहाँ गए ये लोग ये गए लोग एफ के गए सब लॉल आपका कस्टम्स करते हैं सब अरे सुन ना लुसीफर हाँ लुसीफर आएगा लुसिफर वैसे तो मेरे पास है प्लेयर्स ओके सो गाइस एक कॉडेक्स गिव अवे मैं करने वाला हूं देखो जिनके पास कॉडेक्स है ये देखो ये मेरे तरफ से कॉडेक्स है ना कि ये जो काउंटिंग है उसमें से लिए वो रैंडम किसी एक को मिलेगा तो अभी मैं एक किसी को बोलूंगा एंड कुछ नहीं इसको अपना आईजीएन एंड यूआईडी रखना है जिसके पास कॉडेक्स ऑलरेडी है उसको कॉडेक्स नहीं मिलेगा ये बोलोगे कि यार मुझे नेक्स्ट टाइम कॉडेक्स चाहिए तो उसको नहीं मिलेगा क्योंकि ये वाला मेरा कॉडेक्स है जो मैं खुद से दे रहा हूँ एंड जो यहाँ पे टास्क है या जो मिशन है वो मिशन वाला कॉडेक्स आपको मिलेगा अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वो आपको बाद में मिलेगा नेक्स्ट कॉडेक्स पे भी मिल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो या आज अगर अभी जो मैं बोलूँगा तो जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही जिसका सबसे पहले यूआईडी और नेम आता है उसको मिलेगा कॉडेक्स लेकिन जिसके पास ऑलरेडी है तो उसकी जगह फिर सेकेंड को लिया जाएगा तो मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 कोई एक स्पैम कर दो मतलब एक बंदा मतलब सब लोग एक ही बार अपना यूआईडी और नेम डालो जिसका सबसे पहले आया मुझे देखा स्क्रीन पे उसको कॉडेक्स मिलेगा अभी करो आईजेन और यूआईडी ऑलरेडी बता दिया आईजेन और यूआईडी और हाँ अगर आज 100 लाइक्स हो जाते हैं तो एक लेजेंडरी स्किन मेरी तरफ से लेजेंडरी स्किन है आज अगर 100 लाइक्स होते हैं तो आज लेजेंडरी स्किन ओके सबसे पहले यहाँ पे मेरे को दिखी है आईडी वो है डार्क ब्रेकर की यूआईडी है 1140911488725389 ओके सो यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा जो कि है जिसको कॉडेक्स वो है जय डार्क ब्रेकर अगर आप ऑनलाइन है तो आ जाओ देखो मेरा टास्क बहुत सिंपल सा है ये थोड़ा फनी है बट सिंपल है ये वो उनके लिए लाइक अभी देखो पहला टास्क मेरा मैंने ये दिया कि आपको यूआईडी देना है दूसरा टास्क कुछ रैंडम हो सकता है जो सबसे पहले देगा उसको मिल जाएगा ठीक है तो आज टोटल मैं से 5 करने वाला हूँ 5 कॉडेक्स प्लस जो टॉप रैंकिंग में है वो तो हैं उनको देखो आप अगर आप लोग कोशिश करोगे लाइक अगर आप लोग टॉप 5 में हो और उसके बाद भी अगर आप अपना यूआईडी शेयर करते हो या फिर जो मैं अभी बोलूँगा वो करते हो तो यार आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप ऑलरेडी टॉप 5 में हो ठीक है तो 2 कॉडेक्स नहीं मिल एक बंदे को 2 कॉडेक्स नहीं मिलने वाला WTF में टाइप किया स्ट्रीम रिमूव कर रहा अरे ऐसे नहीं हो सकता ब्रो यहाँ पे देखो ऑलरेडी इन्होंने कर दिया ओके अरे संसई वेलकम टू द स्ट्रीम मेरे भाई भाई साहब मुझे देगा लेजेंडरी स्किन जेनिस की 100 लाइक्स हो जाएगा, पक्का पक्का दे दूंगा, पक्का दे दूंगा। अगर आज 100 लाइक्स हो जाते मेरे स्ट्रीम खत्म होते होते तो पक्का एक लेजेंडरी स्किन जो कि है 1299 की लगभग 1300 की। लेकिन यार ऐसे एक ही बार में लाइक अगर तुम लोग 100 आईडी बना के कर दोगे तो लाइक काउंट ही नहीं होता यूट्यूब पे, तुम सभी को पता ही होगा ये पॉलिसी। तो शेयर करो जितना शेयर कर सकते हो। अरे भाई माइंड फर्स्ट, ओके देखो यार एक मिनट मेरे को फर्स्ट एक और बार देखने दो, एक और बार देखूंगा मैं। ओके यहाँ पे सबसे पहले मेरे को दिखा है जैश का, जैश यादव 280। तो अगर आप ऑनलाइन हो तो आप आ जाओ, मुझे रिक्वेस्ट करो, मैं कॉडेक्स देता हूँ ब्रो। यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है मुझे जिसके सबसे पहले कमेंट है स्ट्रीम पे, मुझे जिसके सबसे पहले आए हैं। सेकंड टास्क होगा, डोंट वरी, अलग अलग टास्क होगा सभी के लिए, फनी होगा ठीक है। यू आर लेट, इधर साला मैंने कॉपी करके नहीं रखा था, मैंने ऑलरेडी पता 3 से 4 बार बता दिया, 3 से 4 बार ये चीज़ कि कॉपी करके रखे रहो। मैं ना तो इस ईयर अरे अरे भाई भाई भाई, गेम ओपन करके कॉपी करके आ रहा हूँ। अब दूसरा कुछ रैंडम हो सकता है ठीक है, अगर हुआ तो दे देना, मैं शेयर करूँगा। बस 11 बजे तक लाइव स्ट्रीम करना भाई, कुछ ज़्यादा हो जाएगा 11 बजे तक। फिलहाल कॉडेक्स डार्क ब्रेकर जीता हुआ है यहाँ पे, तो डार्क ब्रेकर को मिलेगा। रिक्वेस्ट कर दे भाई डार्क ब्रेकर, एक सेकंड रुको। फर्स्ट कॉडेक्स यहाँ पे मिलता है डार्क ब्रेकर को, एकदम इजी टास्क है, ज़्यादा वो नहीं है। ओके ये रहा डार्क ब्रेकर और यहाँ पे मैंने कर दिया सेंड, गिफ्ट हो गई है सेंड टू डार्क ब्रेकर। ओके अब करेंगे कुछ दूसरा ट्विस्ट क्वेश्चन, मैंने देखो बना के तो नहीं रखा है। दूसरा क्या करें कुछ अलग। ओके आप सभी को स्ट्रीम को 5 ग्रुप में शेयर करना है ठीक है, कोई भी 5 ग्रुप में, और वो 5 ग्रुप में जो शेयर करोगे उसका स्क्रीनशॉट आप सभी को डिस्कॉर्ड जो सर्वर है वहाँ पे पोस्ट करना है, और जिसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले आता है टॉप 5 ग्रुप्स का एक साथ में, उसको मिल जाएगा नेक्स्ट कॉडेक्स। बहुत इजी है, करो कम ऑन। अलग अलग टास्क है अलग अलग चीज़ों के लिए, मिनिमम चलो हाँ करना ही है 5 ग्रुप, मिनिमम 5 ग्रुप। सर लिटरली 3 बार टाइप किया रिमूव हो रहा है डूड, उसका कैसे उसका रिमूव नहीं हुआ, आपका रिमूव हो गया। एक और बार आप टाइप करके देखो, देखो ऑलरेडी यहाँ पे और 2 बंदों का आया है, 3 बंदों का आया हुआ है, सेम इनकी तरह आप वो करो ठीक है। कर 11 बजे तक हो जाएगा। अच्छा देख हैप्पीनेस हमको तो मिलने वाला है। ओके यहाँ पे एक कॉडेक्स गिव अवे हो चुका है ठीक है गाइस। देखो जो भी टॉप 5 में आएगा उसको मिलेगा कॉडेक्स, ये तो गारंटीड है ठीक है, गारंटीड है। लेकिन अगर कोई टॉप 5 के बाहर भी है तो वो टॉप 5 के लिए यहाँ पे स्ट्रीम पे जितनी देर रुकेगा उतना तो गारंटी हो जाएगा आपको मिलना ही है। लेकिन अगर आपको अपना लक ट्राई करना है तो यहाँ पे जो मैं भी ट्विस्ट आपको दूंगा लाइक थोड़ा क्वेस्ट टाइप, वो आपको टास्क कंप्लीट करना है एंड डायरेक्टली जो जिसका सबसे पहले मुझे स्क्रीनशॉट आता है डिस्कॉर्ड सर्वर पे उसको मिल जाएगा एक और कॉडेक्स ठीक है। आपको आपका आईजीएन के साथ स्क्रीनशॉट भेजना है, शेयर कर दो स्ट्रीम लिंक को शेयर कर दो 5 ग्रुप में, किसी 5 ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप पे, और उसके स्क्रीनशॉट चाहिए मुझे बस। कस्टम्स कभी करेंगे, कस्टम्स कभी करेंगे, अरे मैंने सोच रखा, धीरे धीरे आते आते धीरे धीरे। और एक कॉडेक्स होगा लाइक किसी 2 बंदे को लाइक जो बाकी के 3 कॉडेक्स होंगे, देखो ये 2 कॉडेक्स हो गए, बाकी के 3 कॉडेक्स होंगे मेरे ख्याल से। मैं ऐसा करने वाला हूँ जिनकी 1v1 फाइट होगी उनके लिए होगा, तो स्टेडियम रहना ठीक है। बाकी 3 कॉडेक्स उनको मिलेगा, मतलब आज तो मजे आने वाले स्ट्रीम पे सभी को। तो स्ट्रीम को शेयर कर दो, कॉडेक्स जीतना है तो यार डेफिनेटली यार जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो जितना शेयर कर सकते हो। तो डिस्कॉर्ड पे मुझे टैग जरूर करना, अपना सर्वर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक्स्ट्रामेटरी डिस्कॉर्ड डालने पे डिस्कॉर्ड सर्वर लिंक आ जाएगी, तो जो भी डिस्कॉर्ड पे नहीं हो डिस्कॉर्ड पे आ जाओ। अगर मॉडरेटर्स यहाँ पे है कोई तो आप डिस्कॉर्ड का लिंक यहाँ पे शेयर कर सकते हो अगर कोई लिंक एक्सपायर हो चुकी हो तो। ब्रो 5v5 कस्टम MVP को दो, 5v5 कस्टम MVP को दें ठीक है। देखो 2 तो ये हो जाएंगे, 2 5v5 करते हैं और जो लास्ट एक बचता है उसको 1v1 करेंगे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये बढ़िया रहेगा। लेकिन याद रखो अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी कॉडेक्स है तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा कि आप बोलोगे नेक्स्ट टाइम कॉडेक्स चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम कॉडेक्स उन्हीं को मिलेगा जो टॉप 5 में है स्ट्रीम पे, क्योंकि वो बंदे बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, इतने दिन से हैं स्ट्रीम पे, रेगुलर है, तो या उनके लिए है। और बाकी तो अगर आज 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाता है तो एक लेजेंडरी स्किन किसी एक को दूंगा मैं, किसी को भी दे सकता हूँ जो भाई, जो बंदा मुझे किसी को भी दूंगा भाई, किसी को भी, बस मैं भी कुछ बोलूँगा। प्रोफेसर हो गया ब्रो, क्या हो गया? लेकिन डिस्कॉर्ड में नहीं हूँ इसलिए पोस्ट नहीं कर पाया। ब्रो डिस्कॉर्ड लिंक ऑलरेडी यहाँ पे देखो आ रहा है एक्सेलेरेटर डिस्कॉर्ड पे, आप डिस्कॉर्ड पे शेयर करो। मुझे टैग नहीं आया डिस्कॉर्ड पे, मैं डिस्कॉर्ड पे अभी एक्टिव हूँ, अगर डिस्कॉर्ड पे हो तो आप मुझे टैग करो। एंड आपको पोस्ट कहाँ करना मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड। तो नॉइस आ रहा है क्या? चेक डिस्कॉर्ड, ओके 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 ओके। 5 यहाँ पे सबसे पहले किया है काराथेन ने, ठीक है, सबसे पहले शेयर किया यहाँ पे काराथेन ने स्ट्रीम लिंक को 746। तो यहाँ पे मिलता है काराथेन को दूसरा कॉडेक्स, तो कॉडेक्स के लिए आ जाओ काराथेन अगर आप ऑनलाइन हो तो। दूसरा भाई मतलब आज कारा लेके ही मानेगा, लेके हाँ चेक कर लिया जर्नल पे। दूसरा टास्क बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था। तो मैंने कहा ना सभी को मिलने का मौका है, सभी के लिए, बगैर बस थोड़ा सा ट्विस्ट हुए रहेगा। तो जिसको भी देखो जैसे जैसे मैं यहाँ पर टास्क दूंगा वैसे वैसे फटाफट सब कंप्लीट कर लेना, तो मिल जाएगा सभी को कॉडेक्स। ओके तो यहाँ पे 5 ग्रुप में ऑलरेडी शेयर हो गया है, बढ़िया। ओके यूआईडी भी दे दिया, आईजन भी दे दिया। ओके गेम में आ जाओ काराथेन गेम में आ जाओ। एट व्हाट टाइम डू वी स्टॉप गेटिंग बॉट्स एंड क्लूलेस प्लेयर्स? आई एम ऑलमोस्ट डायमंड, स्टिल गेटिंग लॉट्स ऑफ बॉट्स। सीरियसली बॉट्स मिल रहे हैं डायमंड में? यार डायमंड में मैंने कल खेला था, मुझे नहीं मिले बॉट्स। अब मुझे नहीं पता, लेकिन आप वेटरन तक आओगे, वेटरन के बाद आपको मे भी बॉट्स नहीं मिलेंगे बॉट्स तो नहीं मिलेंगे। मुझे बॉट मिले, सीरियसली बताओ सेकंड सीजन से मेरे को बॉट नहीं मिले। हाँ वो जो मैंने ब्रॉन्ज की कोई आईडी बनाई थी उस वाले आईडी पे ज़रूर वो तो मिलना ही मिलना है, मगर उसके बाद से मेरे को नहीं मिले वेटरन लॉबी तक, अभी तक बॉट नहीं मिले। एरिना वेलर नहीं खेलते हो क्या आप? नहीं मेरे भाई, बहुत कम खेलता हूँ मैं। काराथेन अरे यार आ जाओ। तो यहाँ पे पहला गिव अवे जीता है जो कि डार्क ब्रेकर ने, दूसरा गिव अवे जो कि जीता है यहाँ पे काराथेन ने जो कि रेयर गेमर ने, और बाकी 3 कॉडेक्स बचे हुए हैं जो कि 3 टास्क से होंगे। तो स्टे ट्यून रहो सब, स्ट्रीम को शेयर मारो, जितना शेयर करोगे उतने पॉइंट्स मिलेंगे आप सभी को। जो टॉप 5 पॉइंट्स पे रहेंगे उन 5 बंदों को कॉडेक्स आज ही मिलेगा, वो भी लाइव स्ट्रीम पे, ठीक है? तो आज यार आज कुछ बड़ा करना ही है, आज बड़ा गिव अवे करके जाएंगे हम लोग। चलो ओके रेडी फॉर कस्टम्स। रुको कस्टम्स का करते हैं, रुके रहो। कस्टम्स को कैसे होगा? बहुत ट्विस्ट वाला है, बहुत ज्यादा ट्विस्ट है। कस्टम्स ऐसे होगा कि मैं लॉबी बनाऊंगा एंड जो रैंडम लॉबी में जैसे भी बंदे आते हैं, जैसे भी बंदे मतलब स्ट्रीम से, वो ऐसा नहीं कि अपनी टीम लेके आएगा कोई, अपनी टीम को इन्वाइट करना करो अगर आते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जो स्ट्रीम से आएगा वही सारे बंदे रैंडम में रहेंगे। ये नहीं कि आप अपनी टीम को लाओगे एंड ऐसा उनमें से किसी एक को मिलेगा, तो थोड़ा सही रहेगा, बैलेंस टीम नहीं रहेगी, तो दोनों एनिमीज के लिए भी अच्छा होगा एंड उनके लिए भी। तो यहाँ पे काराथेन आ गया है, काराथेन को करेंगे गिफ्ट हम लोग जो कि है कॉडेक्स का। तो चलो भाई मतलब लेके माना है लेके ही मानता मैं अरे तेरा डिस्कॉर्ड मैंने चेक कर रखा है ना पूरा, मेरे को पता है कहाँ क्या चीज है। ओके यहाँ पे काराथेन को भी हो गया गिफ्ट शेयर, इतना हाँ देख ले ओ भाई बहुत तेजी में आ रहे। अरे आज मैंने बोला कि अब अरे कोई नहीं मेरे भाई, बस तो देखो दिखाओ। पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? पॉइंट्स मिलेंगे आपको स्ट्रीम शेयर करना है, स्ट्रीम पे रहना है, स्ट्रीम पे रहोगे, हर जितने 6 मिनट में आपको 2 या 3 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, एंड शेयर पे कुछ 2 पॉइंट एडिशनल है, तो जैसे ऐसे हैं मिलेंगे आपको। प्लीज मेरे को दे दो प्रोफेसर भाई कॉडेक्स। ब्रो देखो अभी जो इवेंट मतलब जो भी हम लोग कर रहे हैं क्विज, आप वैसे लो ना तो अच्छा है। देखो एकदम इजी इजी टास्क दे रहा हूँ, एकदम इजी टास्क में ये बंदा तो ऐसे ही लेके गया कॉडेक्स, ऐसे ही लेके गया। क्या मतलब भाई दोस्तों की स्पीड से शेयर किया हूँ मैं। अरे वही मैं सोचा को टफ रखूं यार, इसको टफ रखना चाहिए था। चलो कोई नहीं कोई नहीं। हाँ मतलब तू मेरे लिए तू कोडेक्स भी टफ रख देगा? अरे इतना दुश्मनी रे काई को रे। ए दुश्मनी नहीं है यार मेरा किसी से, क्यों दुश्मनी क्यों है? कर रहा हूं मैं, अरे मजाक कर रहा हूं भाई, तुम लोग अपने भाई हो यार। अरे मुझे पता है रे, मजाक कर रहा हूं मैं। अरे गाइस 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 एक और चीज मेरे को याद दिलाना है, यहाँ पे क्लैश ऑफ टाइटंस का ऑफिशियल जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे ऑलरेडी है COT बेस्ट स्ट्रीमर का, तो आप लोग यार जरूर तुम्हारे भाई को वोट कर देना वहाँ पे, और इंस्टाग्राम पे वहाँ पर भी वोट कर देना। मैंने यार एक ही बोला ही नहीं, मैंने अनाउंस ही नहीं किया, मुझे खुद को लेट पता चला, तो यार जितना पता चला मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया था, तो या जरूर से कर देना वहाँ पे सपोर्ट, ठीक है? और काराथेन तू भी नुबड़े। हाँ 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 टेंशन मत ले, मेरे पास 10,000 आईडी है, मैं 10,000 आईडी। अरे भाई भाई 10,000 आईडी सीरियसली? अबे वैसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे बहुत आईडी है, बहुत आईडी है। अरे भाई मेरे दोस्त के फेक आईडीज, लड़कियों के फेक आईडीज, तेको ऐसा कमेंट करूंगा तू भाई रिप्लाई करेगा मेरे को उसपे, देख। अच्छा तू कमेंट करेगा मैं रिप्लाई करूंगा, वाह वाह वाह। हाँ लड़की क्या आईडी से करूंगा तो तू करना ही पड़ेगा। ए अच्छा नॉइस आ रहा है स्ट्रीम पे ज्यादा, मुझे बताना नॉइस क्यों आएगा भाई तेरा? इधर तो नॉर्मल है, इधर नॉर्मल है इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मेरा माइक है ना, ये एयरफोन का माइक बहुत अच्छा है, जो स्ट्रीम का माइक है ना बहुत थर्ड क्लास है। ये सीआरजे काइसन ऑनलाइन बैठा है इस उम्मीद में कि इसको भी कुछ मिल जाएगा। ओके ओके ओके, तो चलो यार बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, यानी थर्ड स्टेप कि थर्ड कॉडेक्स इसको मिलेगा 1v1। लेकिन देखो 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 जिसको कॉडेक्स मिल चुका है वो वापस से नहीं पार्टिसिपेट हो सकता इस वाले चीज में, ठीक है काराथेन? ओ भाई तो किसी और को दिला दूं, सोच रहा हूं किसी। अरे भाई ठीक है 1v1 का होगा चैलेंज, ठीक है? किसी जो भी 2 बंदे पहले आएंगे स्ट्रीम पे मतलब लॉबी में, वो ही 2 बंदे, बाकी को बंदों को देखो यार मुझे किक करना ही पड़ेगा, बुरा मत मानना। 1v1 होगा, हीरोज आप सब यहाँ पे डिसाइड करो कौन से हीरोज को यहाँ पे किया जाए, ये बताओ। आप सब स्पैम करो, स्पैम यानी सब बंदे एक हीरो के मतलब वो करेंगे, नाम ले लो कौन से हीरोज को हम लोग कराएं 1v1 के लिए। करो सब, करो गाइस सब करो, कम ऑन गाइस कम ऑन। एलन, एमिली नहीं एमिली, नैक्रोथ। अच्छा एक बार, एक एमिली आया, एक एलन आया, एक नैक्रोथ आया, दूसरा एलन आया, ठीक है, जिल आया, मुराड आया। ओके यहाँ पे 2 एलन आया हुआ है, अगर एक और एलन हमें दिखता है तो हम लोग एलन करेंगे। ओके 3 एलन आया, ओके यहाँ पे 3 एलन आ चुका है, तो एलन वर्सेस एलन होगा। जो भी एलन वाले बंदे हैं जैसे मैं लॉबी आईडी बनाऊंगा वैसे आना है, लेकिन गाइस 3 बंदे अगर आते हैं तो यार उनमें से एक को किक कर दूंगा मैं। कोई भी 2 पहले के 2 स्टार्टिंग के 2 बंदे आएंगे, ठीक है? स्टार्टिंग के 2 बंदे, तो सब लोग रेडी रहो। डोंट स्पैम, आपको बॉट म्यूट कर देगा। डोंट स्पैम भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं, स्पैम मत करो गाइस। चलो तो यहाँ पे लॉबी बना रहा हूँ मैं, 1v1 प्रैक्टिस ही है ना यार। ये तो ऐसा है यार, ये कितना लैग हो रहा है भाई, ये कितना लैग हो रहा है यार सीरियसली। पोस्टर होम प्रैक्टिस 1v1, अरे मैं कहाँ जाऊँ? 5v5 पे करना पड़ेगा। चलो आ जाओ 4-3-4-1 ऐसा होना चाहिए यार। जो एडमिन है या फिर जो भी होस्ट किया है ना, वो खुद होके इसको स्पेक्ट्रल मोड को कैंसिल कर दे। यार लोहित वेलकम टू द स्ट्रीम, 47 लाइक्स हो गए, अरे वाह भाई वाह। बैन सीआरजी काइसन, एक आ गया, एक बंदा आ चुका है, एक और बंदे की स्पेस है, फटाफट आओ। ओके यहाँ पे एक और बंदा आ गया, डुअल वेल्डिंग। आई एम सो सॉरी ब्रो, यहाँ पे रुको एक बार फिर से मेरे को रिकैप देखना है। कौन आया सबसे पहले स्ट्रीम पे देख रहा हूँ, एक मिनट, एक बंदा आया एंड दूसरे बंदे में से सबसे पहले कौन आया? ओके, सबसे पहले यहाँ पे डुअल वेल्डिंग आया है, सबसे पहले डुअल वेल्डिंग आया है, तो होगा यहाँ पे डुअल वेल्डिंग वर्सेस ये, तो स्टार्ट। चलो ये है यहाँ पे थर्ड कॉडेक्स को जीत सकता है इनमें से जो भी विन करता है वो, ठीक है। एरर तो गया अरे ये जंगल आइटम क्यों लिया हुआ है? ओनली डीएस लेन, हाँ ओनली डीएस लेन है, फिर मिड में आओ, ओनली मिड। यार इन लोग को कैसे बताऊँ मैं, यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ क्या? ओनली मिड रहो यार, ओनली मिड यार, बताना चाहता हूँ, माय बैड। ओनली मिड यार, ओनली मिड। चलो यार जा रहा स्लेयर आ गया, वो भी स्लेयर आ रहा है, चलो बढ़िया है बढ़िया है, चलो स्लेयर से। तो यहाँ पे बहुत तेजी से चल रहा है यहाँ पे डुअल वेल्डिंग, जो कि पूरे जोश में है कि आज इसको कॉडेक्स चाहिए ही चाहिए। आई गेस इसके पास ऑलरेडी कॉडेक्स है, ये कॉडेक्स करेगा क्या? इसके पास कॉडेक्स है आई गेस। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जोश में है। आई डोंट नो कि यहाँ पे ये मिड में क्या करने गया था। ओके, ये सोचा कि मिड में होगा, ठीक है। चलो इसने देख लिया कि यहाँ पे है टॉप में, यहाँ पे पहला वेव क्लियर कर दिया जो कि डुअल वेल्डिंग ने। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट ब्लड कौन करता है एंड सबसे ज़्यादा किल्स किसके रहते हैं और गेम को ख़त्म कौन करता है। टॉप लेनी पुश करना यार, मुझे बता देना चाहिए था ये, अगर कोई नहीं डुअल वेल्डिंग कैसे सुनेगा। यहाँ पे शुरू का बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट चल रहा है वैसे तो। ओ ये क्या, यहाँ पे प्लस करने पे दूर जाता है, माइनस करने पे नज़दीक आता है, ये क्या सीन है? ओके ये क्या है? अच्छा ये है, ओके थोड़ा सेटिंग चेंज हो गया यार कस्टम्स का। तो आप सभी को क्या लगता है यहाँ पे डुअल वेल्डिंग जीतेगा या फिर कौन जीतेगा? डुअल वेल्डिंग को हारना चाहिए, लेट्स सी ब्रो। रैंडम कॉडेक्स गिव अवे का क्या टाइम है? रैंडम कॉडेक्स अभी चल रहा है मेरे भाई, मतलब किसी रैंडम विनर को मिलेगा, 1v1 चल रहा है अभी। नेक्स्ट वाला 1v1 में कुछ अलग करेंगे बाकी दो बंदों को मिलने के लिए, इस वजह से 5v5 का कस्टम होगा। 5v5 रैंडम बंदे आएंगे और जो दो बंदे, जो भी उस बंदे के दो बंदे टीम के वो होंगे MVP, वो दोनों बंदों को मिलेगा, लॉसिंग को भी एंड विनिंग को भी। हो गया वो 5 गिव अवे कॉडेक्स एंड बाकी जो टॉप 5 में हैं बंदे उनको तो मिलना ही मिलना है आज कॉडेक्स, ठीक है। लेकिन जिसके पास है टॉप 5 में ऑलरेडी उनको नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा कॉडेक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे डुअल वेल्डिंग, यहाँ पे देखते हैं एक आगे से ये रेड लेने जा रहा है या फिर यहाँ पे जंगल क्लियर करने जा रहा है। आप सभी को क्या लगता है यहाँ पे कौन मतलब जीतेगा? तो वहाँ पे इसको पता चल गया, तो ये भी यहाँ पे क्रीप ले रहा है, लाइक लेवल अप कर रहे हैं अपना जल्दी से जल्दी ताकि इसका बिल्ड कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे 1 घंटे तो यही चलेगा, वही 1 घंटे तो यही चलेगा। चलो देखते हैं ना, देखते अब कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ईजिली कॉडेक्स मिल जाएगा ऐसे एक मैच में, थोड़ा टफ तो होगा आई गेस। यार मुझे बता देना चाहिए था यार, मैंने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया, माय बैड यार। मेरे को मैंने कंप्लीट नहीं किया, जो उसमें मैंने भी स्टार्ट कर दिया। क्या मैं इसको एंड कर सकता हूँ यहाँ से? सेटिंग में क्या है? रेड साइड, ब्लू साइड, बोथ प्लेयर पॉप, ये भी है क्या? कि यहाँ पे आई गेस यहाँ पे स्लेयर ले रहा है जो कि है, क्या नाम है इसका? डेपसेट। ओ गलती कर दिया ये स्लेयर लेते। ब्रो 5v5 खेलते हो और MVP को दे देते। हाँ भी नेक्स्ट वाला वही करेंगे ना, ये 3 कॉडेक्स हो गया, बाकी 2 कॉडेक्स वही करने वाले हम लोग। कुछ टास्क ऐसे कुछ नॉर्मल मिशन करा के, मेरे को 10 कॉडेक्स गिव अवे का मैंने कहा था और 10 कॉडेक्स गिव अवे मैं कर रहा हूँ, जैसे कहा था वो कर रहा हूँ, तो ये अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम लोग 17 को ही मिलेंगे, तो आज थोड़ा बड़ा इवेंट कर ही लेते हैं चैनल की तरफ से। तो यार गाइस सभी सपोर्ट करो यार, लाइक करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो। आप सभी के यही सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड अगर ऐसे ही आप सब सपोर्ट करते रहोगे तो आप सभी के लिए आज नॉर्मल रिवॉर्ड्स है, कल को कुछ और भी ज़्यादा मस्त अच्छे रिवॉर्ड्स होंगे। एंड इवन अभी कुछ 17 के बाद ही कुछ आप सभी के लिए मैं बड़ा ज़रूर ला रहा हूँ, तो यार स्टे ट्यून रहना चैनल पे सभी, ठीक है? कुछ बहुत मस्त होने वाला है। हाय विकी मेरे भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हो? गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करूँ? देखो ये ब्रो, यहाँ पे दो टाइप का गिव अवे चल रहा है। पहला गिव अवे लाइक ऐसा है कि जो भी टॉप 5 व्यूअर्स हैं, यहाँ पे देखो पॉइंट्स है, जो भी टॉप 5 पॉइंट्स है जिन बंदों के पास, वो बंदों को मिलेगा कॉडेक्स, ठीक है? उनका गारंटी है। बाकी अभी मैं ऐसे रैंडम कस्टम्स करा रहा हूँ, जो भी कस्टम में MVP होगा, जो जीतेगा उनको मिलेगा कॉडेक्स, ठीक है? तो अभी तो यहाँ पे 3 कॉडेक्स ऑलरेडी जा चुके हैं, सॉरी 2 कॉडेक्स जा चुके हैं, हाँ 2 जा चुके हैं एंड 3 कॉडेक्स बचे हुए हैं। तो अभी इसमें से 1 कॉडेक्स जाएगा एंड उसके बाद वापस से 5v5 का करेंगे नेक्स्ट में, वो 2 MVP को मिल जाएगा। उसके बाद 5 कॉडेक्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो अपना 5 वाला जो मिशन है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो टॉप 5 में आएगा वो टॉप 5 बंदों को कॉडेक्स गिफ्ट करेंगे आज, ठीक है? बस यही है। और अगर आज 100 लाइक्स हो जाते हैं मेरे स्ट्रीम बंद करने तक, तो एक अच्छी सी स्किन मैं देने वाला हूँ, जो कि लेजेंडरी स्किन होगी, किसी एक रैंडम प्लेयर को, किसी भी एक रैंडम प्लेयर को, ठीक है? किसी भी, वो चाहे मेरा दोस्त भी हो सकता है या इधर से कोई हो सकता है, लेकिन एक्टिव होना चाहिए स्ट्रीम पे। ओ नाइस नाइस अल्टीमेट टू भाई, बहुत ज्यादा क्लोज। वाओ ओपी ओपी यार, ओपी ने कर दिया फर्स्ट ब्लड, बहुत बढ़िया। भाई क्लैश ऑफ टाइटंस को टूर्नामेंट लाओ और आगे ले जाओ। अरे ब्रो टूर्नामेंट तो बहुत, वही तो कह रहा हूँ, कुछ बढ़िया आने वाला है। ड्रैगन मेरे भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम, व्हाट्सअप, कैसे हो, क्या हालचाल? भाई जो भी स्ट्रीम पे आ रहा है सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, स्ट्रीम को यार आप लोग लाइक करके शेयर कर देना एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। डुअल वेल्डिंग क्या गुंडा बनेगा रे तू, लॉल। फर्स्ट टावर का रखते हैं यार, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा गेम, है ना? लेकिन इनको बोलूं कैसे मैं? तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लड कर लिया है ऑलरेडी। यहाँ पे बिल्ड देखा जाए दोनों का, तो बिल्ड में यहाँ पे गया है डुअल वेल्डिंग क्रिटिकल के साइड से, यहाँ पे जंगल आइटम के साइड से गया है। आई डोंट नो क्यों यहाँ पे जंगल से नहीं जाना चाहिए था इसे, बट स्टिल डैमेज अच्छा दे रहा है वो। ओपी ओपी क्या टाइम पे अल्टीमेट मारा है यहाँ पे डुअल वेल्डिंग। ओ आ हाँ हाँ, हर बार थोड़ी होगा। यहाँ पे 1 किल ले चुका है डुअल वेल्डिंग ने, एक किल ले चुका है यहाँ पे डेपसेट ने। तो लेट्स सी कौन जीतता है। लास्ट वर्ड्स व्हाट्सअप मेरे भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम, क्या हालचाल, कैसे हो सभी? बढ़िया, ये रिकॉल कर लिया एंड यहाँ पे डुअल वेल्डिंग वापस आ चुका है। यहाँ पे 1v1 का हो चुका है स्कोर। अरे लास्ट फर्स्ट बहुत दिनों बाद दिखे ब्रो, वही तो मुझे बहुत दिनों बाद दिखे। बहुत बढ़िया, यहाँ पे फार्मिंग चालू है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या फाइट हो सकता है। ओके यहाँ पे मे भी फाइट हो सकता है। अब तक यहाँ पे डिप यहाँ पे ले चुका है, जो कि टीम रेड में उसने एक टावर ले चुका है यहाँ पे। एंड यहाँ पे डुअल वेल्डिंग वर्सेस वापस से हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं कौन सा एलन जीतता है। जंगल एलन वर्सेस DS एलन। अरे सिल्वर मेरे भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। हेलो ब्रो, फाइनली यू स्ट्रीमिंग, लॉट्स ऑफ लव टू यू ब्रो एंड थैंक यू वेरी मच। आज स्ट्रीम कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोग कर रहे हैं कॉडेक्स का गिव अवे, जो कि मैं 17 को करने वाला था क्योंकि मुझे लगा 15 तक वाउचर आएंगे, बट वाउचर आ गए तो कोर डिस्ट्रॉय होने तक वेट करना क्या? हाँ अभी तो यही करना पड़ेगा, उनको कोर ही डिस्ट्रॉय करना है। वो समझ नहीं आ रहा भाई, जंगल आइलैंड ज़्यादा अच्छा है सीरियसली। यहाँ पे गोल्ड देखा जाए तो 5.4 4.5 ओ भाई, ऑलमोस्ट मिरर गोल्ड चल रहा है दोनों टीम का। राजन ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हालचाल, कैसे हो? व्हाट्स अप? अरे लॉल, माय बैड, तो सॉरी यार, इनमें व्हाट्सएप में मैसेज आ गया था। वो ब्रो सम प्रो टिप्स फॉर योन हीरो टू नॉट गेट गैंग्ड अप। देखो, अगर प्रो टिप यही है कि फ्लिकर हमेशा रखो, उसके साथ हमेशा फ्लिकर रखो। जैसे आपको लगता है कोई बंदा आप पे जंप कर रहा है, एकदम सही एक पोजीशन देके वहाँ पे फ्लिक मारो, वहाँ पे फ्लिकर मारो, बहुत अच्छा एंड सबसे बेस्ट है। और जैसे फ्लिकर आप मारते हो, वैसे आप अल्टीमेट यूज़ करके अपना पैसिव यूज़ कर लो, बंदा मेल्ट हो जाएगा। अगर आप अच्छे तरीके से फार्म किए रहे होगे तो उसका सबसे उसका बचने का एक ही तरीका है, एक अच्छा फ्लिकर। ओके, यहाँ पे प्लेयर स्टील किसने स्टील किया कि नहीं? मिल गया ऐसे। ओके, दो प्लेयर ले चुका है यहाँ पे, और दो टावर यहाँ पे दोनों ने ले लिया है। ओके, यहाँ पे अब गेम खत्म करने की बारी आ गई। लड़ाई से तो जीत नहीं पा रहे, तो अब गेम खत्म करना है इन्हें। बहुत बढ़िया, मिनियन क्लियर ही नहीं कर रहा। जो भी देखते हैं यहाँ पे मिड पे, यार इस पे प्रेशर आ रहा है यहाँ पे सामने वाले एलन पे। यहाँ पे एक इसके पास एक अच्छा चांस ये हो सकता है कि यहाँ पे अपना स्लेयर छोड़ के ये मिड जाके क्लियर कर सकता है मिड को, बट नहीं, शायद इसे फाइट ही लेना है। बहुत बढ़िया, कैन बी बाई कोडेक्स सेकंड टाइम इन अ मंथ। हाँ ब्रो, कर सकते हो आप भाई। ओ, यहाँ पे अगेन मार दिया। लॉर्ड, मैंने देखा नहीं, यहाँ पे अगेन मार दिया। यार कितना अच्छा आइलैंड खेल रहा है बंदा, बहुत बढ़िया। सीरियसली आइलैंड जंगल अच्छा है, अब खत्म हो सकता है गेम में भी। ओके, मेरे ख्याल से मिड ना जाना इसका राइट डिसीजन था। आई थिंक इट्स जस्ट अ लॉस। लेट्स सी। ओके, अब इसकी बारिश आई गई। अल्टीमेट मार देना चाहिए, इतना लो पे नहीं मारना चाहिए सर। अब सही है, अब सही है। ओह अगेन, नाइस यार, नाइस। इसने अपना जंगल आइटम सेल कर दिया आखिर में। फील्ड भी एकदम परफेक्ट बना लिया एंटी हील के साथ। ओपी यार, ओपी अनएक्सपेक्टेड यार, अनएक्सपेक्टेड। बहुत खतरनाक खेला यहाँ पे। कोई कह रहा था यार डुअल वेल्डिंग जीतेगा, बट नहीं यार, ऐसा कुछ अलग ही देख लिया हमने तो यहाँ पे। तो कोडेक्स गिफ्ट करने का प्रोसेस क्या है? कोडेक्स गिफ्ट करने का प्रोसेस क्या है, मतलब आपको किसी को गिफ्ट करना है। तो अगर आपको गिफ्ट करना, आप डायरेक्टली गिफ्ट पे जाके कर सकते हो, उसका आइजन पे। लाइक मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे जीत चुका है, जो कि नाम क्या है इसका, इसके प्रोफाइल पे भी नहीं जा पा रहा हूँ मैं। तो इसे यहाँ पे काराथेन को दे दिए हमने कोडेक्स। ये जो भी बंदा था यहाँ पे आ जाए लॉबी में मेरे पास, क्या नाम इसका, 4645 पे आ जाए। जो बंदा वहाँ पे जीता, क्या नाम था उसका, डेपीसेट या डीप सेट, क्या नाम था उसका, डेपसेट क्या नाम था, DEPE SED या DE, क्या नाम था उसका। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना सुजी। अरे DG गेमिंग, क्यों नहीं मेरे भाई। सुनो, जो भी विन था, जो बंदा था एलन से जीता, वो आ जाए। आ गया, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो मेरे को। थोड़ा आप अपना फूल पत्ती जो भी है, लाइक फ्लावर दे दो अगर आपके पास है तो। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। ओके, बहुत अच्छा खेले यार, बहुत अच्छा खेलो डीजे गेमिंग। मैं अगर आपको अभी दे सकता हूँ तो लाइक आइटम्स ले जाने के बाद कहाँ गया बंदा, ये रहा। अरे यार, यू हैव ऑलरेडी सेंट 3 गिफ्ट। क्या 3 गिफ्ट 3 टाइम्स टुडे? यार सैड लाइफ, ये क्या है यार, ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है यार। पहले तो हम लोग गिफ्ट कर सकते थे ना यार, 3 टाइम लिमिट क्यों लगा दिया। गिफ्ट पे। क्या है यार ये गाइस, ब्रो रिक्वेस्ट करो ना, अगर रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट कर लो। रुको यहाँ पे एक बार जनरल पे सोनिका मार दे ताकि अपने जनरल वाले बंदे भी आ पाए। फ्री कोडेक्स गिव अवे, ज्वाइन फास्ट। यह पूरा नहीं आएगा ना, चलो ठीक है जो भी आया, चलो ओके। ब्रो एग्जाम्स खत्म हो गए? नहीं मेरे भाई एग्जाम्स नहीं खत्म, मैं आज गिव अवे करना था इस वजह से मैं आज स्ट्रीम कर रहा हूँ। भाई नाम रजिस्टर कर ले जो जीते उनका, हाँ वही करना पड़ेगा। इनके रिलेटेड मैं फिर वीडियो बना दूंगा, इन सभी को गिफ्ट देते हो वो, क्योंकि तभी लेजिट रहेगा कि हाँ मैं दे रहा हूँ, वरना पता कैसे चलेगा। लेकिन ये क्या सीन है, अगर गिफ्ट रिक्वेस्ट किया गया आपने, बहुत बढ़िया, अगर आप रिक्वेस्ट किए तो मैं देख रहा हूँ। यू कैनॉट सेंड मोर गिफ्ट, ठीक है ठीक है, मैं गिफ्ट सेंड कर दूंगा, ठीक है मैं आपको गिफ्ट सेंड कर दूंगा। अभी तो नहीं कर पा रहा हूँ मैं, आई डोंट नो क्या रीजन है, ठीक है। डिप्रेस्ड ब्रो, मैं आपको लाइक कल हो जाएगा या फिर शायद रात में अगर होता तो मैं आपको डायरेक्ट सेंड कर दूंगा, ठीक है। आपका रिक्वेस्ट है मेरे पास पड़ा हुआ, क्योंकि अभी जा नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मेरी लिमिट रीच हो गई, मैंने ऑलरेडी गिफ्ट कर दिया बंदों को, तो यहाँ पे अभी टेंशन मतलब कर चुके ना, हाँ इसलिए नहीं गिफ्ट कर पा रहा है। हाँ हाँ प्रोफेसर भाई, हाँ हाँ इसीलिए तो नहीं हो पा रहा है। हाँ तो मैं कर दूंगा, कल कर दूंगा, नहीं तो आज रात में कर दूंगा, ठीक है। अरे भाई तुमको कर देगा भाई, बोला जब कर देगा वो। हाँ हाँ चलो चलो, एक ये खेलते हैं 5 vs 5 खेलते हैं प्रोफेसर भाई। हाँ अब सुनो 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 सुनो, अब यहाँ पे जो विनर है वो प्लीज ज्वाइन ना करे, कराथेन, डार्क ब्रेकर एंड यहाँ पे क्या नाम है इनका, डिप्रेस्ड जो भी है, डीप सेट, ठीक है यार नाम ऐसा कि तुम भी नहीं हो कर पा रहे हो, ओके। तो ये 3 बंदे नहीं होंगे नेक्स्ट कोडेक्स में, पार्ट नहीं ले पाएंगे। आप सभी को अभी जो 2 बंदों को कोडेक्स मिलेगा, एमवीपी वाले बंदों को कोडेक्स मिलेगा, और अगर ये बंदे आते प्लीज मत आना, मुझे नहीं अच्छा लगेगा मैं किक करूँ, तो प्लीज मत आना कोई भी इनमें से जो ऑलरेडी जीता हुआ है, और जिसके पास ऑलरेडी कोडेक्स है वो बंदे प्लीज ना आए, जिनके पास कोडेक्स नहीं है वो बंदे आए। और सभी की रैंडम टीम बनेगी, कोई ऐसा नहीं है कि लाइक अपनी टीम लेके आ रहा है एक साथ में, ऐसा कुछ नहीं है, रैंडम टीम बनेगी और 5v5 का मैच होगा। जो भी टीम के पास MVP होगा, अगर एनिमी टीम में MVP कोई लॉस हुआ है एंड उसके पास MVP है तो उस बंदे को एक कोडेक्स मिलेगा, एंड जो विनिंग टीम है जिसके पास MVP है उस बंदे को एक कोडेक्स मिलेगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। पोस्टर होम बैन पिक वाला करते हैं, है ना। तो गाइस देखो टोटली बैन होंगे 3 बैन है, ठीक है। जो भी पार्टिसिपेट हो रहा है ना इसमें, पहले ही बता दे रहा हूँ 3 बैन है। किसी टीम ने अगर लाइक 3 से ज़्यादा बैन किया तो उसकी पेनल्टी है वो, ठीक है। 3 बैन से अगर आपको टाइम बचाना है तो कुछ ऐसे पिक्स बैन कर दो जो कि पिक लाइक अगर सामने वाली टीम ने सपोर्ट ले लिया है तो आप कोई भी रैंडम सपोर्ट मतलब वो कर लो, लाइक अगर उसने जैसे कि सामने वाली टीम ने MM ले चुका है तो आप कोई भी रैंडम MM को बैन कर सकते हो, ठीक है, कोई भी रैंडम MM को। लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है तो एल्स आप मत करो बैन, कोई भी ऐसे पिक मत बैन करो जो सामने वाली टीम ने नहीं लिया, जिस रोल का टाइटन नहीं लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आ जाओ। अरे यार द फक, क्या है ये, लॉबी आईडी विजिबल ही नहीं है। सर अगर कॉडेक्स और मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट कर दे क्या होगा? क्या कॉडेक्स है और मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट कर दे क्या होगा? मैंने आज तक वो नहीं ट्राई किया ब्रो। अगर आपके पास ऑलरेडी कॉडेक्स है एंड गिफ्ट कर दिया तो शायद गिफ्ट नहीं होता वो। ओके यहाँ पे रूम आईडी है 9774। ज्वाइन हो जाओ, रैंडम बंदो ज्वाइन हो जाओ। बैन पिक है टोटल 3, कोई 3 बैन कर सकता है हीरोज में, ठीक है? कोई भी 3 बैन होंगे तो फटाफट आ जाओ। एंड 3 बैन होंगे, जो भी दोनों टीम में से जो भी टीम के MVP होंगे उनको मिलेगा कॉडेक्स। एकदम इजी सा है, खेलो जीतो और कॉडेक्स लाओ। और ऐसे इवेंट में बहुत बीच बीच में लाऊंगा, डोंट वरी। आप सब बस चैनल को सपोर्ट करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। बस बहुत सारे ऐसे बहुत ज़्यादा इवेंट लाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ वीकेंड पे ये सारे इवेंट रखा करूँगा मैं आपसे, ताकि आप सभी को कुछ ना कुछ मिलते रहे, लाइक स्किन्स वगैरह। तो ये अच्छा भी रहेगा, आप लोग खेलोगे तो आपको मज़े भी आएंगे एंड स्किन्स भी ऐसे गिफ्ट एज अ रिवॉर्ड, ऐसा गिफ्ट मिलेगा। तो या और एक बात, जिसके पास कॉडेक्स है ऑलरेडी वो ना है प्लीज़, ये अच्छा रहेगा, ठीक है? जिसके पास कॉडेक्स है वो ना खेले, जिसके पास नहीं है वही आओ यार, बाकियों को मौका दो। फुल सपोर्ट भाई, अरे मेरे भाई। तो गाइस जो भी चैनल पे नहीं आ रहा यार, जरूर से सभी स्ट्रीम को लाइक कर दो। 100 लाइक्स अगर आज हो जाते हैं और स्ट्रीम एंड होते होते, तो मैं किसी एक बंदे को वो दूंगा लेजेंडरी स्किन। कोई भी हो सकता है यार, कोई भी हो सकता है। तो यार कोई भी एक बंदे को दे सकता हूँ मैं लेजेंडरी स्किन। मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? अगर तेरे पास कॉडेक्स नहीं है तो तू ज्वाइन कर सकता है, अगर कॉडेक्स है तो मत ज्वाइन कर। ठीक है, मैं नहीं आ रहा फिर। ओके यहाँ पे 9774 है। ओके यहाँ पे मैं ग्लोबल करना दो। फ्री कॉडेक्स इवेंट चलो, इसको कहते हैं सस्ता प्रमोशन, मगर ठीक है, करना पड़ता है ब्रो, करना पड़ता है। बंद मत करना रे, नहीं यार हमको बंद करना पड़ेगा ब्रो, इतना देर तक नहीं कर पाऊंगा मैं स्ट्रीम। पहले बता रहा हूँ, जिस बंदे के पास ऑलरेडी है और वो MVP रहा तो यार देखो मैंने बता रखा है पहले ही, तो यार वो बंदे ज्वाइन करो। जिनके पास कॉडेक्स नहीं है वो अच्छा रहेगा, किसी नए बंदों को मिल जाएगा, किसी रैंडम बंदों को मिल जाएगा, तो ये अच्छी बात है। जिसने अभी तक कॉडेक्स नहीं लिया उनको मिल जाएगा, तो उनको मौका दो। जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या मतलब है बताओ, वो उनको क्या मतलब है वही चीज खेल के। ब्रो फुल हो गया, कहाँ फुल हो गया मेरे भाई? यहाँ पे तो अभी ऑलरेडी 2 स्पेस है, ऑलरेडी 2 स्पेस है। और यहाँ पे वी तेरे पास है ना कॉडेक्स? रुक जाते हो, किक मारता हूँ। नहीं है तेरे पास कॉडेक्स? ठीक है ठीक है, एक और एक और एक और स्लॉट। यार मेरे को लग क्यों रहा है कि मेरे को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो स्पेक्ट्रल मोड हट गया, पता नहीं क्यों। लॉबी फुल है क्या? गाइस मेकिंग न्यू लॉबी, लॉबी लैग। ठीक है गाइस, मेरे को न्यू लॉबी बनाना पड़ेगा। एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ गेम को, पता नहीं क्यों। आप सभी देखे यहाँ पे वो गायब हो गया। अभी इस पे स्पेक्ट पे कोई आ गया तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, मैं नया 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 आईडी दे रहा हूँ। रुक जाओ, नया आईडी दे रहा हूँ, रुक रहा हूँ। मोड्स पोस्टर होम 5-5 हार्डकोर। आ जाओ अब आ जाओ। यार क्या लैग हो रहा है यार, ये आ जाओ। लॉबी आईडी है यहाँ पे 7487। गाइस अगर जो भी एडमिन है यहाँ पे प्लीज शेयर कर दो। लॉबी आईडी क्या है? 7487। आ जाओ गाइस। जिसने भी स्ट्रीम लाइक नहीं किया लाइक कर देना सभी। ओ भाई ओके, मैंने जैसे बता दिया है। बस छोटू भाषा भाई, बस स्टार्ट कर दिए। 3 बैन से ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ठीक है। 3 बैन से एडिक्टेड। अगर तू यहाँ पे सुन रहा है तो तुझे पहले बता दे रहा हूँ, अगर तो टाइम बचाना है तो सामने वाले बंदों का वो पिक बैन कर जो उन्होंने ऑलरेडी ले रखा है। जो रोल का टाइटन है, जो रोल ले रखा है, वो रोल को बैन कर सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं। यहाँ पे पहले बैन कर दिया गया है जो कि है मवांगा को, एंड सेकंड बैन यहाँ पे ग्राक को कर दिया है। ऑलमोस्ट यार ग्राक को सभी बैन करते हैं क्योंकि ग्राक का कुछ अलग ही कमाल चलता है जो कि है लेट गेम में। एंड यहाँ पे हयाते को बैन करके डायोचन भी बैन कर दिया गया है। यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा लग रहा है ब्लू टीम ना ज़्यादा से ज़्यादा मैच को बैन कर रही है। मेरे ख्याल से डायोचन की जगह तिलन बैन करना चाहिए क्योंकि तिलन एक मेटा पिक है जो कि है एनिमी टीम के पास। यहाँ पे देखा जाए तो तिलन एंड वैलन कह सकते हो एक अच्छा कॉम्प बन सकता है क्योंकि यार जो वैलन का स्टर्न है ना सीरियसली बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर MM। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लेविल पिक कर लिया गया है। लेविल अच्छा पिक है यहाँ पे इसलिए क्योंकि लाइक जो वैलन है उसका बहुत ज़्यादा CC है, बहुत ज़्यादा स्टर्न देता है वो, एंड वो स्टर्न को झेल सकता है वो है लेविल। यहाँ पे ओमेन पिक किया है जो कि है वी ने, ठीक है। और यहाँ पे यूई पिक हो रही है, सीरियसली तो मज़े आ जाएंगे अगर यूई पिक होती है। पर मेरे ख्याल से अगर यूई पिक होती है तो यहाँ पे ट्रिलियन जंगल जा सकता है। तो सीरियसली बहुत नेक्स्ट गेम चलना है। जी पर मेरे भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। बिग फैन सर, बिगेस्ट फैन सर। ब्रो एक गेम और खेलोगे? ब्रो नहीं, ये एक्चुअली बस एक ही गेम होगा एंड जो कॉडेक्स होगा अभी ना। एक काम कर, इसको बेस्ट ऑफ 3 कर दे क्या, तो थोड़ा सही रहेगा, है ना, सबको मौका मिलेगा। बेस्ट ऑफ 3 करते हैं, चलो ठीक है। बेस्ट ऑफ 3 रखते हैं इसको। और वो दो लेकिन ना नहीं, ऐसा नहीं होगा। बेस्ट ऑफ 3 रखेंगे ना तो MVP ऊपर नीचे होंगे तो इनमें आपस में झगड़े हो जाएंगे। यही रहने दो, यही ठीक रहेगा। कौन वो देखना बहुत ज़्यादा मचमच हो जाएगा। नहीं ठीक है, बेस्ट ऑफ 3 नहीं रखेंगे हम लोग। टीम होती तो रख देते, कोई दिक्कत नहीं, टीम आपस में एक दूसरे को दे देती। ये लास्ट है मेरे भाई, ये लास्ट इवेंट है। लाइक अभी तक हमने 5 कॉडेक्स गिव अवे रखा ही था एंड अभी टॉप 5 को मिलेगा इसके बाद, एंड इसमें से दो बंदे होंगे उनको मिलेगा कॉडेक्स गिफ्ट। और इतनी देर से मैंने ऑलरेडी अनाउंस करा जे तो चीटिंग हो जाएगा वही तो तो यहाँ पे देखा जाए ओमेन को पिक कर लिया गया है। ओमेन को काउंटर करने के लिए आई गेस आयरी को पिक किया गया है। यहाँ पे आयरी एक अच्छा पोक डैमेज तो देता ही है, प्लस CC भी है आयरी के पास। और यहाँ पे देखा जाए तो आयरी, वैलन एंड त्यूलन इस बेस्ट कॉम कह सकते हो आप, क्योंकि CC भी है, डैमेज डीलर्स भी हैं और अच्छा खासा यहाँ पे एक दूसरे को काउंटर कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो जिल जंगल करेगा, यहाँ पे मुराद जंगल करेगा। मुराद एक अच्छा पिक है अगर जिल है तो उसके। अगर सीरियसली जिल का अल्टीमेट मतलब हमेशा हवे में ही हो जाता है अगर मुराद है एनिमी में। मुराद है, फिर नाकरोथ भी एक अच्छा है कि लाइक नाकरोथ भी ना जो जिल का अल्टीमेट है उसको डॉच कर देता है, तो या बहुत बढ़िया है। यहाँ पे लॉरियल को कर लिया गया है पिक जो कि एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है यहाँ पे लॉरियल को पिक करके, क्योंकि लॉरियल का जो बर्स्ट डैमेज है वो नेक्स्ट लेवल है कतई। तो चलो यार 4, हाँ मैंने कहा था ऐसे कोई बैन करो जो सामने वाली टीम ले चुकी हो। तो चलो ब्रो कल भी करोगे? नहीं मेरे भाई, आज लास्ट है, उसके बाद 17 को मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो मुझे आज सिर्फ गिव अवे करना था, इस वजह से मैंने किया था गिव अवे। अब 17 को ही होगा गिव अवे, क्या कुछ बड़ा लाएंगे और ज़्यादा, ठीक है, वो ज़्यादा मज़ेदार होगा। बहुत बढ़िया सा चल रहा है गेम यहाँ पे। आप यहाँ पे टेलेनस को पिक कर लिया गया है। टेलेनस एक कह सकते हो एक अच्छी कॉम पे लाइक लेट गेम पर, लेट गेम यार लेवल भी कुछ कम नहीं है, अगर लेवल को एक अच्छी सपोर्ट मिलती है तो यार गेम नेक्स्ट लेवल जाएगा। अगर यहाँ पे ओमन खेल गया ना तो यार मुराद तो कुछ कर ही नहीं पाएगा मेरे ख्याल से। लेट्स सी क्या होता है गेम, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सा लग रहा है। आपसे भी क्या लगता है, आप सबको क्या लगता है रेड टीम जीती है ब्लू टीम? ज़रूर से सब कमेंट कर देना, क्योंकि दोनों टीम्स रैंडम है, कोई अपनी टीम के साथ नहीं आया हुआ है। तो यार आप सब बताओ कौन सी टीम जीतेगी। स्ट्रीम स्नाइप क्या कर लेंगे भाई, स्ट्रीम स्नाइप करके मैं खुद कहता हूँ यार कोई भी एक अच्छा प्लेयर होगा ना तो वो स्ट्रीम स्नाइप करके खेल ही नहीं पाएगा अच्छे से, क्योंकि वो अपने गेम पे जितना फोकस करेगा और वो स्ट्रीम पे फोकस करेगा ना वो खुद ही मरते रहेगा गेम में। आप कभी नोटिस कर लेना, कभी स्नाइप करने की कोशिश करना। सानू नस्कर, मेरे को कोडेक्स चाहिए। अरे पार्टिसिपेट होना चाहिए, इतनी देर से मैं यहाँ पे गिव अवे कर रहा हूँ। और गाइस हाँ, टॉप 5 में आने का एक और वो है लाइक क्या क्या बोलते हैं इसको, एक और वे है जिससे आप टॉप 5 में चटपट आ सकते हो। एडिशनल पॉइंट सबसे ज़्यादा पॉइंट से रखा गया है, वो है सुपर चैट पे। इसमें देखो इसमें मुझे तो कुछ मिलेगा ही मिलेगा, साथ में यार डायरेक्ट आप आ सकते हो, चाहे वो कितने का भी वो क्या कहते हैं वो हो, आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैच हो चुका है स्टार्ट दोनों टीम्स की तरफ से। एंड आप सब बताओ आपसे कौन सी टीम लगती है जीतेगी। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जंगल कर रहा है मुराद इस टीम से, एंड यहाँ पे जिल जंगल कर रहा है। और यहाँ पे मिड पे आ चुके हैं मेज अपने अपने लेंस पे। यहाँ पे देखा जाए सारे अपने अपने लेंस पे आ गए। लाइक ऐसा होता है ना 5v5 मैच में कि जंगल प्रोटेक्ट होता है लाइक टैंक के थ्रू, बट यहाँ पे 2mm को ले लिया गया है। आई डोंट नो क्यों यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया गया है। तो यहाँ पे अर्ली गेम थोड़ा सा अच्छा प्रेशर बना के रखेंगे जो कि टीम रेड, लेकिन लेट गेम तो बूम बाम हो जाएगा इनका। मुझे तो लग रहा है लेट गेम बूम बाम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छा प्रेशर बना हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो अभी तक जिल ब्लू नहीं लिया, यहाँ पे तक जिल ब्लू पे अटका हुआ है। यहाँ पे मुराद भी ओके, मुराद यहाँ पे जंगल अच्छी तरीके से कर रहा है, दोनों क्रीप को क्लियर कर रहा है। यहाँ पे रिकॉल भी कर लिया अच्छी खासी। मैंने कहा अर्ली गेम थोड़ा सा इनको पोक कर देंगे ये दोनों MM मिलके। फिलहाल तो यहाँ पे रेड भी स्टार्ट कर दिया यार, रेड को लेना बहुत बढ़िया। अगर क्या यहाँ पे रेड ये लोग सील कर पाएंगे, ये लोगों को अगर भनक हुई तो शायद रेड बच जाएगा। यहाँ पे छोटू भाषा जो है भाई नहीं बचा पाए रेड, यहाँ पे ले लिया है रेड। टीम रेड ने बहुत अच्छी चीज़ की यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए। यहाँ पे बेचारा झील धीरे धीरे पहुंचा हुआ है। ओके यहाँ पे फर्स्ट ब्लड मिलेगा। ओपी, अरे यार अल्टीमेट मिस, अल्टीमेट मिस। ओके यहाँ पे फर्स्ट ब्लड ले लिया है टीम रेड ने। बहुत ओपी यार, बहुत ओपी। अल्टीमेट मिस होने के बावजूद क्या यहाँ पे टैलेंट्स बचेगी मुझे नहीं लगता। बहुत सही, बहुत सही। यहाँ पे अच्छा गैंग किया यहाँ पे टीम ब्लू ने। बढ़िया यहाँ पे गेम चल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ब्लड किया है जो कि टीम रेड ने। दोनों टीम्स की यहाँ पे स्कोर देखा जाए तो 1v1 का स्कोर है, यानी दोनों ही टीम्स में से एक एक को मार दिया है अपने टीममेट्स में से। तो हैप्पीनेस 69 लॉल नागा गेमिंग व्हाट्सअप मेरे भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। मैं आपके स्ट्रीम शेयर करके लाइक देता हूँ। 100 करने हैं ना? हाँ मेरा भाई। ओके यहाँ पे अगेन टेलानस ने सेकंड किल ले लिया है जो कि हमने थोड़ा सा मिस कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे जो कि है टीम रेड थोड़ा सा यहाँ पे अर्ली गेम मुझे एग्रेसिव दिख रही है। लेट्स सी कि लेट गेम क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया यार। ओके ओके सॉरी। तो यहाँ पे देखा जाए 2v3 का स्कोर हो चुका है। गोल देखा जाए 5 पॉइंट, ऑलमोस्ट 6 के गोल, यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 के गोल्स रेड टीम के पास है। और यहाँ पे देखा जाए इस वक्त एग्रेसिव प्लेइंग की बात किया जाए तो एग्रेसिव प्लेइंग यहाँ पे टीम रेड कर रही है एज़ कम्पेयर टू ब्लू। और यहाँ पे ब्लू टीम भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर दिए। क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ले पाएंगे लोग? ओ भाई बहुत अच्छी अल्टीमेट यहाँ पे मार के ऑब्जेक्टिव स्टील करने की कोशिश थी, पर कोई नहीं। यहाँ पे टेलानस ने अच्छा यहाँ पे यार अच्छी फाइट ली यार, अच्छा डैमेज दिया यहाँ पे, सबको खा गई। वो पे 3 किल, बहुत सही। तो यहाँ पे त्रिलियन ने भी अच्छा, मतलब 3 नहीं था, और त्रिलियन ने 2 किल ले लिया। मुझे लगा टेलानस ने लिया। अगेन यहाँ पे सेकंड टाइम रेड को स्टील कर लिया है टीम रेड ने। टीम रेड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेल रही है यार, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव खेल रही है। आप सभी क्या लगता है यहाँ पे टीम रेड खेलेगी या फिर लेट गेम कुछ बढ़िया सा हो सकता है? रेड ही जीतेगी। आशीष शर्मा यहाँ पे कह रहे हैं रेड ही जीतेगी। लेट्स सी। तो अगेन यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि देखो यार ओमेन यहाँ पे एक अच्छा प्लेयर है जो कि देखते हैं लेट गेम क्या यहाँ पे कुछ नया ये दिखा पाएगा या फिर ये टीम देखो लेट गेम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लेट गेम जिस तरीके से कॉम पे नया ब्लू टीम की वो लेट गेम कॉम पे लाइक लेट गेम बहुत ज़्यादा शॉट टाइप का डैमेज देगा। अरे यहाँ पे ज़िल तो ऐसे ही दोनों एमओ को खा जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो अगर यहाँ पे ज़िल अच्छा हुआ तो हो जाएगा कुछ। यहाँ पे यार हमने मिस कर दिया, यहाँ पे लॉरियल को बहुत गंदी तरीके से मार दिया है आई गेस। यहाँ पे त्यूलियन एंड टेलानस दोनों ने मिलके यहाँ पे वैलन ने तो बैंड बजा रखी है, लाइक रिकॉल पे रिकॉल भेज रहे हैं। बेचारा ज़िल को अभी तक एक बार ब्लू उसको रेड नहीं मिला है। ज़िल यहाँ पे कोशिश तो करे जा रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छी कोशिश कर रहा था यहाँ पे मुराद को मारने का, लेकिन नहीं मार पाया। यहाँ पे ओमेन ठूक चुका है, बहुत 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 बुरी बात है ये। ओके ज़िल ने यहाँ पे खा गया है जो कि है मुराद को, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अगेन अब धीरे धीरे प्रेशर बना रही है जो कि टीम ब्लू, क्योंकि यार अर्ली गेम था उनका, अब लेट गेम में इनका प्रेशर बनते ही जा रहा है। पॉइंट्स कब तक काउंट होगा? पॉइंट्स जब तक आप स्ट्रीम को देखोगे तब तक पॉइंट्स काउंट होंगे, जितना स्ट्रीम शेयर करोगे लाइक तब पॉइंट्स काउंट होते हैं। ओके सो यहाँ पे अगेन 4v10 का स्कोर है। एक अच्छा अल्टीमेट यहाँ पे मारा है। लेट्स सी यहाँ पे यार मेरे ख्याल से लेवल को यहाँ पे फाइट नहीं लेना चाहिए था, लाइक उसका गोल्ड देखो एंड गोल्ड डिफरेंस कुछ ज़्यादा ही हो चुका है अब तो 14k एंड यहाँ पे कहाँ 11k गोल्ड। यहाँ पे ओमेन आई गेस की फार्मिंग में लगा हुआ है। इस तरह देखा जाए इनकी टीम में सबसे ज़्यादा गोल्ड है यहाँ पे ज़िल के पास, एंड रेड टीम में देखा जाए सबसे ज़्यादा गोल्ड है जो कि टेलानस के पास। टेलानस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेल रही है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर टेलानस ने कर दिया किल एंड बहुत बढ़िया। यहाँ पे त्यूलियन ने भी खा गया, यहाँ पे त्यूलियन को भी खा गया जो कि है ओमेन ने। बेचारा ओमेन क्या कर लेगा अकेले। ओके यहाँ पे S1 एंड अल्टीमेट ओपी, मैंने कहा था ना ज़िल खा लेगा MM को इजीली, लेट गेम होने तो और अच्छी तरीके से खा लेगा। लेकिन यहाँ पे मुराद ने अपना अल्टीमेट का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया, जिस तरीके से यहाँ पे क्लियर कर दिया है। बेचारे कौन मर गया, सॉरी ज़िल को। यार लेंस के मामले में रेड टीम यार ऐसा खेल रही जैसे कि यार पूरी टीम ही है इनकी, बहुत अच्छी तरीके से खेल रही है रेड टीम सीरियसली। बढ़िया यार, बढ़िया चल रहा है गेम। ओके सो आप सभी को लग रहा है कि यहाँ पे रेड टीम जीतेगी, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है यहाँ पे ब्लू टीम जीत सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे गेम चल रहा है ना अभी, लाइक देखो गेम अभी अर्ली गेम है, इस वजह से रेड टीम के पास थोड़ा ज़्यादा डैमेज मुझे दिख रहा है। बट लेट गेम जिस तरीके से कॉम्प है ना इनके पास, टैंक का एक अच्छा टैंक है इनके पास, तो उसकी हेल्प के थ्रू कुछ गेम में अच्छा हो सकता है। लेट्स सी कि कौन सी टीम जीतती है। ब्लू नूब है क्या? सपोर्ट को स्टार्ट से वॉच करना चाहिए था जंगल। एग्जैक्टली ब्रो, इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पे सपोर्ट मतलब दोनों ही तरफ की टीम अपने अपने लेंस पे आ गए थे सभी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा अल्टीमेट यहाँ पे यूज़ किया यार, बहुत एग्रेसिव खेल रही है यहाँ पे। लेकिन लेवल भी कम नहीं, लेवल ने भी 2 किल उठा के मारा हुआ है, तो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ओमेन को देखो यार, ओमेन तो अपने एकदम मतलब उसको जीतना ही जीतना है कुछ भी करके गेम। लाइक वो तो टावर पुशिंग पे पुशिंग लगा रखा है, लाइक इनको अब डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पे जो टेलानस है ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेल रही है, मानना पड़ेगा। कब से यानी जो कि टीम ब्लू है उसका रेड एंड ब्लू स्टील पे स्टील की जा रही है। लेट्स सी यहाँ पे अब ऑब्जेक्टिव्स कौन सी टीम लेती है। यहाँ पे ओमेन कोशिश कर रहा है गेम को जिताने की, लाइक टावर पुश करके। लेट्स सी यहाँ पे अगर यहाँ पे टैंक और MM थोड़े एग्रेसिव खेल लें, लाइक थोड़े सेफ खेल लें, तो यहाँ पे गेम में भी टर्न हो सकता है। आप सभी क्या लगता है यहाँ पे ब्लू टीम क्या कमबैक कर पाएगी? यहाँ पे रेड स्टार्ट कर दिया है टीम रेड ने अब बिस्सल ड्रैगन को। अगर यहाँ अरे यार डार्क स्लेयर को, ओके यार ये डार्क स्लेयर नहीं ले पाए क्योंकि टाइम खत्म हो चुका था एंड नया स्लेयर आने का टाइम हो चुका है, जो कि नया स्लेयर भी आ गया यहाँ पे। ओके यहाँ पे ओमेन को यार ओमेन ने तो शायद नहीं, ओमेन मार नहीं पाया, ओमेन यहाँ पे खुद खत्म हो गया यार, बहुत सैड लाइफ है ओमेन के लिए। फाइनली यहाँ पे शटडाउन कर दिया है टेलानस को जो कि है लंबर ने। आई गेस उसको MM या मेज को शटडाउन देना चाहिए था, गोल्स थोड़ा ज़्यादा मिल जाते उन्हें, तो अब थोड़ा सा सेफ खेल रही है रेड टीम पहले की तरह, मतलब कुछ ज़्यादा ही डाइव नहीं कर रही, क्योंकि अर्ली गेम इनका डैमेज था मैंने कहा था। लेट गेम भी डैमेज होगा जो कि ट्विलन का बहुत ज़्यादा बर्स्ट डैमेज होगा। सो लेकिन यार जिल भी कंपनी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे एमएम ने उड़ा दिया यहाँ पे ट्विलन को, बहुत बढ़िया। ओपी यार ओपी, मैं कहा था ना कि लाइक ब्लू टीम कमबैक कर सकती है, मुझे लग रहा है कि ब्लू टीम कमबैक कर सकती है। बहुत लोग यहाँ पे रेड बोल रहे हैं बट देखो मैं बोलूँगा यहाँ पे ब्लू टीम कमबैक कर सकती है। आप सब क्या बोल रहे हो, मतलब बाकी बंदे क्या कहते हो बता दो। रेड टीम में अपने लौंडे हैं, बस उनको पीक नहीं मिले सही से। अच्छा ओके, यहाँ पे जिल शायद ले सकता है, मुराद को खा सकता है। ले ओपी ओपी, क्या डिस्टर्ब किया है यार मुराद ने, यहाँ पे क्या ही परेशान किया मुराद ने। बहुत बढ़िया, मुराद यहाँ से भाग निकलेगा, भाग निकलेगा। लेकिन ब्लू भी यहाँ पे ब्लू पे स्टैक अपना स्टैक ले रहा है एंड बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आके इसने अल्टीमेट करने की कोशिश की पर यार ट्रैप हो गया, नहीं आना चाहिए था इसे वापस। इतना अच्छा खासा बच गया था, ब्लू लेके वापस से जा सकता था बट नहीं। लेकिन यहाँ पे वैलेंट बॉट से पुशिंग लगा दिया ताकि डिस्टर्ब हो। यहाँ पे टॉप से भी प्रेशर, बॉट से भी प्रेशर, रेड ब्लू टीम के पास थोड़ा सा प्रेशर बढ़ते जा रहा है गेम में। लेकिन ओमेन देख लिया, ओमेन सोच रहा है अब इसको तो मैं ठोक के ही मानूंगा। यहाँ पे वैलेंट को मेरे ख्याल से मैजिक जाना चाहिए। ओके वैलेंट यहाँ पे मैजिक नहीं गया है तो मैजिक बिल जाना चाहिए था। अरे अरे अरे, ये फाइट कैसे मिस कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ओमेन ने ख़त्म कर दिया है जो कि है वैलेंट को। यार टीम ब्लू कमबैक कर सकती है मेरे ख्याल से। अभी जीत मेरे भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम, व्हाट्सअप कैसे हो मेरे भाई, गुड इवनिंग ब्रो। हाँ एरर को जंगल होना था तो यहाँ पे मुराद ने एक अच्छी अल्टीमेट मारा और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जिल ने क्लियर किया। यार यहाँ पे दोनों ही जंगलर गए, दोनों ही टीम के जंगलर गए, बहुत बढ़िया। जिल भी अब यहाँ पे थोड़ा सही खेल रहा है। आप सभी का लगता है 16v23 का स्कोर हो चुका है। गोल्ड देखा जाए 30 की बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस तो नहीं है गोल्ड में फिलहाल तो देखा जाए, लेकिन प्रेशर बना हुआ है जो कि टीम ब्लू के पास। यहाँ पे टीम ब्लू कुछ ज़्यादा ही बुरी तरीके से ठुकी पड़ी है। यहाँ पे सिर्फ ओमेन बचा हुआ है, ओमेन एंड यहाँ पे आ गया है अब लंबर भी। चलो यार यहाँ पे आगे फ्लिकर और अल्ट मार सकता था ट्विलन पे, अगर इसका फ्लिकर रेडी है। फ्लिकर रेडी है, मार सकता था यहाँ पे ट्विलन ओमेन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया, भाग जा। शटडाउन मिल गया, बहुत सही बहुत सही। यहाँ पे लेकिन वैलेंट कुछ कम नहीं, वैलेंट तो इनको कुछ भी करके वैलेंट को गेम जीतना ही जीतना है। वो तो एकदम मतलब पुशिंग पे लग चुका है। अगर लेट गेम होगा तो मेरे ख्याल से टीम ब्लू जीतेगी क्योंकि इनके पास एक टैंक का एडवांटेज है। ओके यहाँ पे यार एक अच्छी कोशिश थी यहाँ पे टेलानस को पकड़ने की पर नहीं पकड़ पाया। यार जिल कुछ तो बढ़िया कर सकता था। जिल यहाँ पे जिल को मेरे ख्याल से ना और बना लेना चाहिए अब, क्योंकि जिल अगर फाइट लेगा तो वहाँ पे बच सकता है, काफ़ी मामलों में बच सकता है क्योंकि लाइक यहाँ पे दो लॉन्ग रेंज हीरो हैं एनिमी टीम में। तो अगर उस पर एक बार में अगर अल्टीमेट या फिर कोई टारगेट करता तो वो एक बार में उनके सारे अल्टीमेट को वेस्ट करके भाग सकता है, तो और बना लेना चाहिए उन्हें फिलहाल तो। यार बहुत अच्छा फ्लिकर था, बहुत अच्छा फ्लिकर अल्टीमेट एंड यहाँ पे क्या होगा, मरेगा कि नहीं। ओपी चलो, अरे नेक्स्ट लेवल भाई साहब, जिल तो कतई खा के भाग गया वहाँ पे S1। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया खेला। लेकिन यहाँ पर ओमेन ने यार गलत टाइप कर लिया। यहाँ पर ट्विलन है सामने एंड ट्विलन के सामने यार कैसे, बहुत बढ़िया यार, क्या इंगेज है। कोशिश अच्छी थी जिल की मगर यार गलत है। अब गेम खत्म हो चुका है, यहाँ पे गेम ओवर मेरे ख्याल से। अब जिस तरीके से कॉम्प है ना, मेरे ख्याल से ब्लू टीम के पास जीत सकते थे, ब्लू टीम बहुत अच्छी तरीके से जीत सकती थी। बट यहाँ पे प्रेशर देख रहे हो जिस तरीके से रेड टीम बना के रखी ना यार, बहुत लोग ओपी। ओ भाई साहब क्या बचा ये। वैसे तो सारे के सारे बंदे लो हैं बट चलो एक और मौका मिलता है यहाँ पे टीम ब्लू को। आप सभी को क्या लगता है यहाँ पे टीम ब्लू क्या कर कुछ बढ़िया कर पाएगी नहीं गाइस। सभी जो भी न्यू है स्ट्रीम पे, जिसको भी लाइक आज का इवेंट मज़ा आ रहा है, आज जो भी मतलब जीते हैं, लाइक आप सभी को ऐसे इवेंट्स पसंद है लाइक जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोडेक्स या फिर कुछ गिफ्ट मिलते रहे, तो यार आप सब ऐसे चैनल को सपोर्ट करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी। एंड 16-17 तक आप सभी को कुछ बढ़िया सा बड़ा सा मैं लाऊंगा आप सभी के लिए, तो यार शेड्यूल रहना चैनल को। अगेन यहाँ पे पता है आई गेस लॉरियल को ना थोड़ा एग्रेसिव खेलना चाहिए। लॉरियल यहाँ पे 086 पे है, लॉरियल आई गेस ट्रायल हीरो खेल रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है फिलहाल तो। यहाँ पे वैलन कुछ कम नहीं, वैलन तो कतई एकदम लेन पे एकदम उसकी निगाहें हैं, वो लेन को छोड़ ही नहीं सकता। यहाँ पे ओमेन भी उसी की फिरात में है बट यार ओमेन से हो नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पे जो रेड टीम की रोटेशन है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब वो लोग टीम में खेल रहे हैं, टीम कॉम्प में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो वैलन खा गया एंड आई गेस कि यहाँ पे बॉट टावर भी ले लेगा वैलन। अब कुछ नहीं हो सकता। अब बेचारा भी फंस गया है यहाँ पे, बहुत बुरी तरीके से फंस गया है यहाँ पे। इनका आई गेस इनका गेम ओवर हो जाएगा, गेम ओवर हो जाएगा। कमॉन कमॉन कमॉन, अरे ये बैलन एफ के क्या इनका। ऑलमोस्ट क्लोज है। डीएस लो एंड एंड करो, वही तो एंड तो ऑलमोस्ट हो ही गया इनका गेम मेरे ख्याल से ना। मैं तो बता रहा हूँ अगर यही सेम कॉम्प होता ना मतलब अपनी टीम में, तो मेरे ख्याल से ये टीम जीतती। यार सामने टीम के पास वो नहीं है टैंक। ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शट डाउन मिल गया। एएफके का एक अच्छा फ़ायदा उठा लिया यहाँ पे। अगर वो एएफके होगा तो यार बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो चुकी है यहाँ पे टीम ब्लू के पास। आप सभी क्या लगता है अभी भी क्या टीम ब्लू कॉमबैक कर पाएगी? कि यहाँ पे आई गेस अल्टीमेट यूज़ हो चुका है, यहाँ पे फ्लिकर भी यूज़ है, या फ्लिकर यूज़ है ओमेन का। तो यहाँ पे मुराद बार बार पोक कर रहा है एंड भाग रहा है। वेल एफ के हो गया आई गेस। अब भी बेनिफिट है इनके पास, अगर अब नहीं जीत पाए तो क्या ही। ओके ओमेन ने बहुत अच्छा ये तरीके से यहाँ पे मुराद को मार दिया और क्लिनजिंग भी यूज़ कर लिया है यहाँ पे, जो कि है क्या नाम है इसका, लंबर ने। वो बहुत अच्छा अल्टीमेट एंड S1 यहाँ पे यूज़ किया जिल ने। अब गाइस मेरे ख्याल से कुछ हो सकता है बढ़िया यहाँ पे आई गेस। ओपी बहुत सेक्सी यार, बहुत सेक्सी तरीके से यहाँ पे हमारा यहाँ पे जिल मार सकता है इसको। कमॉन जिल, कमॉन कमॉन कमॉन, S1 एंड ओपी जिल। मैंने कहा लेट गेम कुछ बढ़िया हो सकता है। यहाँ पे वैलन एफ के हो गया यार, ये गलत आई। वैलन को एफ के नहीं होना चाहिए, एफ के उम्मीद छोड़ दी। अरे भाई जीत सकता था वैलन ही तो, इतना अच्छा खासा यहाँ पे टावर पुश किया, अचानक से क्या हो गया? शायद ये आ गया, वापस आ गया, या ये वापस आ गया है। ओ यहाँ पे टॉप लेने का पूरा प्लान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओमेन ने क्या अल्टीमेट दिया यहाँ पे और यहाँ पे कर दिया क्लियर। यहाँ पे अब यहाँ पे देखा जाए टीम ब्लू कुछ ज़्यादा एग्रेसिव खेल रही है, क्योंकि मैंने कहा था लेट गेम तो यार जीतना ही जीतना है इन्हें। जिस तरीके से टीम कॉम्प है इनकी, क्योंकि टैंक ना रहने का एक डिसएडवांटेज होता है गेम में। और कॉन्करर पुश टुगेदर क्या डेंड सेंड मी फ्रेंड रिक्वेस्ट एनीवन नेम। अच्छा ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या लगता है गाइस यहाँ पे ब्लू टीम कमबैक कर पाएगी? अरे वो एफके ही है, अब उनकी ही गलती है ये। अगर वो एफके तो उन्हीं की गलती है, क्या कर सकते हैं हम। बहुत अच्छा बेनिफिट दे दिया यार एफके के टीम ब्लू को। यहाँ पे S1 एंड S2 कॉम्बो और दोनों खत्म हो जाएंगे अंदर। कम ऑन टाइप कर टैंक। यहाँ पे टॉप से भी यहाँ पे प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन चलो जिस तरीके से यहाँ पे लाइक कमबैक के मूड में है, होप कि कुछ बढ़िया ही गेम हो जाए। अगर टीम ब्लू जीत गए तो यार बढ़िया ही हो जाएगा। ब्लू टीम इज स्कैड लॉल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मुराद तो कतई गेम खत्म करने की फिरात में है। यहाँ पे मुराद ने लाइक टॉप पुश करना स्टार्ट कर दिया है। ओके ओमेन भी आ गया है मुराद, लेकिन मुराद टॉप ले लेगा, मुराद टॉप ले लेगा। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यार। मुराद नेक्स्ट लेवल, हाँ बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा है मुराद। ओपी अल्टीमेट, लेकिन पीछे आ गया मुराद वापस से। लॉल मुराद फंस गया यार, भाग सकता था यार मेरे ख्याल से वो। बैडली यार सेट लाइफ फॉर मुराद, बट स्टिल क्या कह सकते हैं। यहाँ पे अब हो सकता है 4v4 या 4v4 हो सकता है। बहुत अच्छा अल्टीमेट, बहुत अच्छा अल्टीमेट। आगे जाना चाहिए था यार, टैंक क्या किया तूने, टैंक को डाइव करना चाहिए था यहाँ पे। कमॉन कमॉन कमॉन, यहाँ पे ओमेन भी मतलब पुशिंग के मामले में लगा हुआ है। यहाँ पे इन लोगों को पता चल गया कि ओमेन पुश कर रहा है, तो ओमेन के लिए रास्ते में आ रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या हमें कुछ फाइट दिख सकती है या नहीं गेम में। बहुत बढ़िया, ओपी अल्टीमेट, वाव यार ओपी, क्या डैमेज दे रहा है अभी ओमन। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से खा गए इस बार रेड टीम को खा गए ये लोग। ओ फ्लिकर मारा तो, मगर गलत फ्लिकर था। लाइक उसने S1 पहले यूज करके फ्लिकर, एक्चुअली फ्लिकर एंड S1 यूज करना चाहिए था उसे। फिलहाल ऐसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे मैं लॉरियल प्लेयर हूँ, बट स्टिल या उसको ऐसे ही यूज़ करना चाहिए था। फ्लिकर मारने के बाद उसको एबिलिटी यूज़ करनी थी तो कर देता कुछ। तो यहाँ पे 4-3v3 होगा या अगेन। यार टेलानस यहाँ पे कम थोड़ी है, टेलानस तो है इनके टीम में, जो कि यार सबको खाए जा रही है कब से भाई। गेम तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा किसकी तरफ जा रहा है। देयर इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ सोलो क्यू, गेट्स फ्रेंड्स एंड क्यू बेटर एक्सपीरियंस व्हेन इन दिस मंथ कॉडेक्स गिव अवे एंडिंग। कॉडेक्स गिव अवे एंडिंग ब्रो, अभी कॉडेक्स गिव अवे एंडिंग यहीं पे हो जाएगा। लाइक कॉडेक्स का जो भी इवेंट था, आज हमने सबसे बड़ा इवेंट किया है, लगभग 10 कॉडेक्स गिव अवे हुआ है। तो या एंड एक कम ऑन तो देखो यार, आज जो भी जीतता है कॉडेक्स पे उन सभी के रिलेटेड लाइक उन सभी को गिफ्ट करूंगा। तो अगर आज गिफ्ट नहीं हो पाया तो मैं उनको लाइक गिफ्ट करूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में या फिर गेम इन गेम में, क्योंकि देखो अभी गिफ्ट हो ही नहीं रहा। आप सभी के सामने मेरे को रिक्वेस्ट कर देना, मैं कर दूंगा गिफ्ट, ठीक है, जो भी विनर होंगे। फिलहाल तो यार यहाँ पे अगेन क्या क्लोज गेम चल रहा है यार, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुके हैं गेम पे। आप सभी क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? फिलहाल ये लास्ट है आज के लिए। बहुत ज़्यादा देर तक हमने स्ट्रीम कर लिया। गाइस सभी स्ट्रीम को लाइक कर दो यार, स्ट्रीम को लाइक करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। आप लोग चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, स्ट्रीम शेयर मार दिया करो। इससे ज़्यादा मोटिवेशन कुछ नहीं है, सबसे बेस्ट मोटिवेशन है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या लगता है यार टेलानस कुछ कर पाएगी यहाँ पे, मतलब कुछ बढ़िया कर सकती है आई गेस। अगर यहाँ पे आयरी आ जाती है, आयरी हेल्प, बहुत बढ़िया। इनका तीनों टावर गया, अब तो तीनों टावर गया। नहीं यार बचा लिया, 20 की हेल्थ है। इनका कोर देखो लॉल। अब तो ले लेंगे टावर, ले लेंगे ऐसे डाइव करके ले लेंगे। बहुत बढ़िया यार, क्या ही अल्टीमेट था। सीरियसली गाइस टेलानस ने क्या कैरी किया गेम को, मानना पड़ेगा। आई गेस MVP यही होगी टेलानस इनकी टीम में से। कम ऑन यार, कुछ गेम तो बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहा है। अब यहाँ पे ब्लू रेड मिनियंस बड़े आएंगे अब थोड़ी ही देर में, मेगा मिनियंस। रेड विन है प्रोफेसर, मुझे सीधा ही भेज देना। हाँ। लाइक करो, अरे लाइक करो। वेल MVP लेट्स सी मेरे को टेलानस लग रही है। रुको मेरे को वो देखना जरूरी है। मेरे ख्याल से ट्यूलन ने भी अच्छा खेला है इनकी टीम में। लेट्स सी कौन MVP का। यहाँ पे फाइट हो रही है अगेन। टेलानस बहुत ज्यादा अग्रेसिव खेल रही है, मानना पड़ेगा। हाँ ओमेन अगेन यहाँ पे स्प्लिट पुशिंग पे लग चुका है। होप कि इन लोग अपना कोर पे ध्यान देगी। मे भी इनका कुछ ऐसा प्लान है कि तुम लोग कोर बचाओ, बाकी स्प्लिट पुशिंग मैं करता हूँ। लेकिन यार यहाँ पे इनको भनक हो चुकी है यार। यहाँ पे तो ओमेन पुशिंग पे पुशिंग लगाया जा रहा है, तो पहले ओमेन को उड़ाया जाए। तो यहाँ पे त्रिलन आ चुका है। अरे यार त्रिलन को फ्लिकर दे सकता है, फ्लिकर, लेकिन ना 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 ना, गलती मत करियो। यहाँ पे आई गेस स्लेयर, अगर स्लेयर फाइट होती है तो लेट्स से कुछ बढ़िया से दिखेगा। मैं जील अगर अच्छा होता, आई गेस थोड़ा सा अग्रेसिव होता ना, तो पक्का मेरे ख्याल से यही टीम जीतती ब्लू। ऑलमोस्ट 23 मिनट्स हो चुके हैं, 35v39 हो चुका है। गोल्स देखा जाए दोनों ही टीम्स के ऑलमोस्ट क्लोज गोल्स हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। सभी के बिल्स ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुके हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट यानी कि सारे के बिल कम्प्लीट हो चुके हैं। तो अब होगा मेन गेम स्टार्ट। यहाँ पे ओमेन लेकिन जिस तरीके से पुशिंग पे लगा हुआ है, यहाँ पे देखो कोर तक पहुंच गया। मुराद गेम खत्म कर देगा, सीरियसली मुराद गेम खत्म कर देगा। ओपी मुराद, ओपी नेक्स्ट लेवल। तालियां भाई तालियां, मुराद के लिए तालियां। क्या गेम खत्म किया है सो गाइस बहुत ही अच्छा गेम खेला यहाँ पे एंड यहाँ पे दोनों ही टीम्स की जो लॉसिंग एमवीपी है एंड जो विनिंग एमवीपी हैं उन दोनों ही टीम्स को मिलेगा कॉडेक्स। तो यहाँ पे छोटू बादशाह जीतते हैं एंड यहाँ पे जीतता है थ्यूलैंड। ठीक है, तो थ्यूलैंड का एमवीपी नाम ही नहीं है यार, नाम ही नहीं थ्यूलैंड का। ठीक है, जो विनर्स हैं वो आ जाओ मेरे साथ लॉबी में। ठीक है, विनर्स लॉबी आईडी 5686। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। जी फॉर टीम रेड, बहुत अच्छा खेली टीम रेड ने। एंड यार एमवीपी जो भी थे आ जाओ। फिलहाल तो यार यहाँ पे रिसेंट में नहीं दिखाते यार प्लेयर्स। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही। सभी ने देखो आज हमने 5 कॉडेक्स गिव अवे, यानी टोटल 10 कॉडेक्स गिव अवे कर लिए। बाकी टॉप 10 जो टॉप 5 हैं उनकी भी आज ही अभी हम लोग काउंटिंग करने वाले हैं। वेट थोड़ा सा सेकंड, बस रुके रहो। मेरे को दे दो, बोला था रेड जीतेगी। हाँ रेड अच्छा खेल रही थी, रेड टीम में नहीं ट्रिक्सो नहीं था, एक ये बंदा था। ठीक है ओके, जो विनर था ये था एक। ओके यहाँ पे जो नाम क्या है भाई आपका, जो इनविजिबल है आप ही थे ना वो मुराद या ट्यूलन? नहीं, मैं टूलन नहीं था, मैं मुराद खेल रहा था भाई। ट्रिक्सो हूं तो तुम क्या अनिर्बन कर्म कर करके मैसेज किया था ना वहां पे? अरे तो ये मुराद खेल रहा था। अरे जिसका नाम है इनविजिबल है ये ट्यूलन है ना? हाँ जिसका नाम इनविजिबल है वो टूलन है। हाँ ये एमवीपी था ना? हाँ टूलन एमवीपी था हमारा टीम से, और उसका टीम से देखता हूं रुको एक सेकंड रुको, उसका टीम से लंबर था। हाँ ये था याद है नाम, लंबर था। ओके दोनों को कॉडेक्स मिल जाएगा। ठीक है देखो मुझे ना कुछ फूल पत्ती जो होती है ना फ्रेंड्स की वो मुझे सेंड कर देना ताकि थोड़ा पॉइंट्स बन जाए मेरा। मैं भी कर दूँ, वेट मैं भी कर रहा हूँ। प्रोफेसर भाई आपसे आवाज आ रही है? हाँ हेलो आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ आ रहा है। हाँ अरे भाई मैं कॉडेक्स के लिए नहीं, मैं तो यूं ही खेल रहा था, आप किसी और को दे सकते हो। अरे आपके पास छोटू बादशाह, मेरे को दे दो अगर मेरे पास कोडेक्स नहीं है भाई। रुको एक सेकंड। हाँ एक मिनट। ना यार एक टीम से एक को मिलेगा, दूसरी टीम में से आप किसको देना चाहते हो वो बता दो, क्योंकि देखो आपके पास ऑलरेडी है क्या छोटू बादशाह? नहीं कोडेक्स है नहीं, पर मैं गेम इतना कैजुअली खेलता हूँ बहुत, तो इतना सीरियसली खेलता नहीं हूँ, तो कोडेक्स की जरूरत नहीं है। अच्छा तो आपके टीम में से वो ओमेन जो भी अच्छा खेल रहा था उनमें से किसी को बोल दो। अगर ओमेन को देना है तो ओमेन को दे सकते हो आपकी टीम में से। मैं जानता ही नहीं किसी को दे दो। मेरे को दे दो। अरे ब्रो मेरे को दे दो ब्रो एक टीम में से एक को यार, ऐसा भी अनफेयर हो जाएगा। नहीं मतलब बोलेंगे कि एक्चुअली ना देखो आज के इवेंट में मैंने मतलब नॉर्मली रखा 1v1 का रखा एंड ऐसे नॉर्मल 2 इवेंट रखे, तो मतलब सबको फेयरली मिलना चाहिए ना। वो कोडेक्स छोड़ो, खेल के मजा आया ना, वो मजा आना जरूरी है, खेल के मजा आया बस यही चाहिए यार, यही चाहिए। बाय द वे मैं बल्ली टीम से हार गए, टूर्नामेंट वगैरह कराओ। हां ब्रो टाइटन को और आगे लेके जाओ, टूर्नामेंट कराओ ब्रो, और बहुत सारे टूर्नामेंट्स आने वाले हैं। मैं मतलब बहुत अच्छा प्लान है आगे का, तो 17 के बाद से कुछ बढ़िया आएगा। बाकी यार जितने भी स्ट्रीम पे देख रहे हो सभी लाइक कर दो यार, सभी लाइक कर दो, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप किसी को भी आप दे दो ओमेन या लवील में से। आपके टीम में से अच्छा कौन खेल रहा था? एग्रेसिव नहीं, ओमेन और लवील बातें सुन रहे थे एक्चुअली, बाकी वो 2 टैंक के हिसाब से चले नहीं रहे थे, मजे में ही जा रहे थे अपने। अच्छा ओके एक सेकेंड ना। ठीक है जो इनविजिबल नाम है आपका जो भी है आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दो कॉडेक्स का, मैं आपको सेंड करता हूँ। रुको यार एक बार देखने दो, अभी तो दे देना चाहिए। ये क्या है यार, गिफ्ट देने वाले को थोड़ा देना चाहिए लाइक। कितना गिफ्ट मिला आज? मैंने लगभग 5-6 गिफ्ट किए हैं, इस वजह से फुल हो गया। देख लो पूरा लैग हो गया है, क्या है लैग है। हाँ रिक्वेस्ट आ गई, देख लो क्या लैग है, देख लो फ्रीज हो गया मेरे स्क्रीन में। हाँ देखो यू कैन नॉट सेंड मोर गिफ्ट टुडे। ओके ब्रो देखो मैं आपको ना शेयर कर दूंगा लाइक अभी तो जा नहीं रहा मेरे तरफ से, आप स्ट्रीम पे देख सकते हो। मैं स्ट्रीम पे मतलब ऑलरेडी सेंड कर रहा हूँ, नहीं जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी आज मैंने 5-6 लोगों को कर दिया है, तो मैं आपको शाम बोल रहा हूँ। कोई एक म्यूट कर लो, कोई एक म्यूट कर लो प्लीज, जो बात नहीं कर रहा म्यूट कर लो, बहुत नॉइस आ रही है बैकग्राउंड से। 2 सेकंड। स्टार्टिंग रेटिंग को दे, स्टार्टिंग रेटिंग, अच्छा स्टार्टिंग रेटिंग हो ठीक है। तो मैं देखो तुम्हारी टीम में से छोटू भाषा प्रोफाइल देख लो, मैं नया प्लेयर हूं, छोटू भाषा खेल रहा हूं। छोटू भाषा ब्रो सुनो, मैं तुम्हारे टीम में से मैं इसको दे रहा हूं वी को, एंड ये जो इनविजिबल है इसको दूंगा। तो टोटली गाइस आज 5 कोडेक्स हो चुके हैं, ठीक है 5 कोडेक्स मतलब मैं देने वाला हूँ, मतलब जो भी बंदे हैं। Awesome bro। एंड बाकी के जो टॉप 5 स्ट्रीम पे हैं उन सभी को कोडेक्स मिलेगा, डोंट वरी। उन सभी का भी कैलकुलेशन कर दो एक बार, कोई एक्सेलरेटेड टॉप कर दो, कमेंट कर दो जरा, देख लो टॉप 5 कौन है, मेरे को नोट करने दो। ब्रो मुराद लेके कैसा खेला ब्रो बोलो, ऑब्जेक्टिव गेमिंग कंप्लीट किया ना? बहुत अच्छा खेला, बहुत ऑब्जेक्टिव है ना, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, बढ़िया है बढ़िया। मैं वैसे भी सोलो खेल रहा हूँ ना, मैं लगातार 25 मैचेस नहीं हारा, लास्ट 25 मैच से नहीं हारा मैं। तो वैसे एक बार प्रोफाइल देखो मेरा, अच्छा विनरेट देखो एक बार, विनरेट अच्छा रखा मैंने अभी भी। आपका प्रोफाइल तुम्हारे वजह से जीते हैं, इस अकाउंट को और कितना अच्छा कर सकते हो देखता हूँ। हाँ हाँ टॉप 5 में यहाँ पे हैं वीर, सोहम जायसवाल, सिंचैन, रजत एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे टॉप 5 विनर हैं आज के स्ट्रीम के ये 5 बंदे। तो यार सब इन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, यार सभी स्पैम कर दो। एंड यार जो भी यहाँ पे जो बंदे ने मेहनत से जीता है लाइक और भी ज़्यादा मेहनत की है यहाँ पे गेम खेल के MVP हुए हैं उनके लिए भी यार उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस यार सभी को। यार सभी के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे भी, लाइक आज का गिव अवे करके और आज का इवेंट करके। आप सब बस ऐसे सपोर्ट करते रहना गाइस। और एक यार एक जगह पे और सपोर्ट कर दो, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जो क्लैश ऑफ टाइटन्स का ऑफिशियल है वहाँ पे जाके, वहाँ पे पूछा गया है लाइक बेस्ट स्ट्रीमर्स के बारे में, तो आप मुझे टैग करके आप मुझे वोट कर सकते हो वहाँ पे, तो वहाँ से सपोर्ट मुझे मिल सकता है थोड़ा बहुत। तो यार सभी ज़रूर कर देना, बहुत ज़्यादा यार लाइक मोटिवेशन मिलता है वो सारी चीज़ों से सभी के लिए। और गाइज ऐसे इवेंट्स तुम्हारा भाई और भी लाता रहेगा, लेजेंडरी स्किन से लेके हर एक, तो यार सभी को सब कुछ मिलते रहेगा, बस आप सब सपोर्ट करो। एंड हम लोग मिलते हैं एक और नई लाइव स्ट्रीम में। वेट 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 खत्म नहीं कर रहा, तुम लोग सोच रहे हो अरे भाई 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 मेरा मेरा कहाँ गया कोडेक्स। तो सुनो जो टॉप 5 बंदे इनमें से मुझे ये बता दो कि किस किस बंदे के पास मतलब अभी कोडेक्स है, इनका नाम बता दो मुझे। एक पेन देना, मेरे को नाम लिखना है सभी का। ये तो है मेरे पास यहाँ पे, यहीं पे है, मैं पेन दूंगा 1 सेकंड रुको। ये कोडेक्स लेने से गेम प्ले अच्छा होता है क्या? गेम प्ले में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ना ना कोडेक्स जो बीजीएमआई खेला उनको पता होगा, कोडेक्स उसी की तरह है PUBG की तरह, PUBG के रोल। अच्छा 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 अभी ये क्लैश ऑफ टाइटंस चल रहा है। अच्छा तो यहाँ पे टॉप 5 एक बार देखना था मुझे। टॉप 5 विनर्स क्या नाम है? वीर, ठीक है वीर, एंड वीर के बाद कौन है? सोहम भाई एंड सिंचन है एक, ठीक है, एंड रजत एंड हैप्पीनेस। ओके एंड यहाँ पे से और किसको देना है जिसका नाम है यहाँ पे वी, एंड एक और है क्या नाम है इसका, इसका नाम इनविजिबल है, ठीक है। तो यार टोटली कोडेक्स विनर है वीर, सोहम, सिंचन, रजत, हैप्पीनेस, वी एंड एक इनविजिबल नाम का बंदा वो। एंड जिन जिन को मिल चुका है उनके भी नाम ले लेते हैं, काराथेन और डार्क ब्रेकर एंड और एक तीसरा कौन बंदा था, अरे उसका नाम ही तो मैंने स्पेल करने में हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था क्या? डेपिसेट जो भी था, डेपिसेट वो बंदा था, ठीक है। तो टोटली आज हमने 10 कोडेक्स गिव अवे किया है, तो यार इस चीज के लिए सभी यार लाइक कर देना, बस सपोर्ट करो। हम लोग मिलते हैं एक और नई लाइव स्ट्रीम में यार। आज सभी लाइक हो गया भाई, अरे भाई 15 लाइक ठोको कोई, अरे कहाँ गया अरे भाई चलो चलो ठीक है। अरे भाई मेरे पास है, मुझे नेक्स्ट सीजन का दे दे, नेक्स्ट सीजन चाहिए, ठीक है। सिंचन का मतलब नेक्स्ट सीजन, एंड ओके नेक्स्ट सीजन, ठीक है तुम्हारा नेक्स्ट सीजन हो जाएगा। एंड और किसके पास है? फेल रहा है क्या? अभी नहीं, मेरे पास है कोडेक्स। हैप्पीनेस को भी मतलब नेक्स्ट सीजन, ठीक है नेक्स्ट। अब बचे कौन कौन बचा, अब हैप्पीनेस हो गया। एंड वीर तुम्हारे पास है कॉडेक्स? हाँ, कॉडेक्स से डबल डैमेज आता है। लॉल सिंचन मुझे दे दो कॉडेक्स। हाँ अगर सुनो जो टॉप 5 में है ना जो बंदे, वो अगर अपने फ्रेंड्स को देना चाहते हैं कॉडेक्स तो दे सकते हैं, ठीक है? ऐसा कोई वो नहीं है, अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो आप लोग। टॉप 5 में मैं तो किसी को पहचानता भी नहीं कोई। अरे नहीं, ये सारे रेगुलर बंदे हैं। अच्छा हाँ, मैं तुम्हारा स्ट्रीम पहले 1-2 दिन पहले देखा था, ठीक है? तब सब्सक्राइब नहीं किया, आज सब्सक्राइब कर लिया। अरे भाई थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। एक बार इंस्टाग्राम में भी मैंने आपको एक रिक्वेस्ट भेजा, एक बार ऐड कर लेना ट्रिक्सो एरिना बोल के। हाँ हाँ ठीक है मेरे भाई, ठीक है ओके। एंड पॉइंट्स, हाँ पॉइंट्स एंड हो जाएंगे, डोंट वरी, पॉइंट्स एंड हो जाएंगे। पॉइंट्स वाला सिस्टम बंद हो जाएगा। अभी मुझे दे रहा स्किन बोला तो तुझे स्किन दे दूंगा, 100 लाइक्स करा, लेकिन 100 लाइक्स गायब नहीं होने चाहिए, वो फेक लाइक्स नहीं हो चाहिए ब्रो। शेयर कर, बंदे आने चाहिए, वो लाइक करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। अगर 100 लाइक्स से 9 हो गए, मैं और ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट रुकूंगा। 100 लाइक्स होते हैं तो ठीक है, बस शेयर कर दे। लूसीफर को मैं लेजेंडरी स्किन दे दूंगा जो उसको पसंद है, एक करा दो ऐसा ही। मेरे को दे दो सोहम का कोडेक्स दे दो, सोहम का कोडेक्स दे दो सोहम से पूछ लो जरा, मेरा मैसेज देखा मैंने। उन सभी को बोल दे। तो देखो आज कुछ ज्यादा ही खर्चे हो गए यार, अभी और ज्यादा करने हैं। लाइक यार कोडेक्स जा नहीं रहा, वरना मैं अभी इंस्टेंटली दे देता आपको, वो नहीं है। काश यार कोडेक्स जाते। ये तो बताओ, ये लंबर की परफॉर्मेंस ठीक है? लंबर की परफॉर्मेंस ठीक थी, मगर वो इतना एग्रेसिव नहीं खेला लंबर, यहाँ पे सब बोल रहे थे। क्योंकि इसको अर्ली गेम ना जंगल के साथ रहना चाहिए था, जो कि वो डायरेक्ट लेन पे आ गया। बट अच्छा गया लेन पे आ गया, इसलिए क्योंकि जो एनिमी टीम से वो भी लेन पे आ गए डायरेक्ट। 2 MM थे। हाँ शुभा मेरे भाई, टेलानस थैंक यू। टेलानस हाँ टेलानस बहुत अच्छा कर रहा था, बहुत ज्यादा एग्रेसिव खेला था उसका, वो बहुत ही अच्छा फार्म कर रहा था उसका। हाँ एग्रेसिव खेला, उसका नेटवर्क बहुत ही अच्छा फार्म कर रहा था। हाँ बहुत। मैं जब भी एसेसिन खेलता हूँ ना, मेरा नेटवर्क के साथ ओपोनेंट का जो ये है ना टॉप नेटवर्क, उसका कंपेयर करता हूँ, उसके हिसाब से मैं फार्म करते। हेलो ब्रो थोड़ा धीरे बोलो ना, मुझसे उतना तेज आवाज रहा है, बहुत तेज आवाज रहा है, थोड़ा धीरे बोलो सब लोग। सॉरी ओके, थैंक यू प्रोफेसर गेमिंग, ऑल द बेस्ट। अरे यार बस आप सबका सपोर्ट है, बस और कुछ नहीं। अब व्हेन यू सेंड कोडेक्स ब्रो, अरे डोंट वरी ब्रो, डोंट वरी, मैं सेंड कर दूंगा। अभी ना मेरे लिमिट फुल हो चुके हैं, मैंने ऑलरेडी ना कोडेक्स गिव अवे कर रखा है, इतना ज्यादा था तो लिमिट फुल हो गए। तो जैसे मेरा लिमिट आता है ना मैं कर दूंगा। आपको करना है, मैंने नाम लिख लिया है यहाँ पे जो जो बंदों को करना है, ठीक है? और बाकी बंदों को तो दे भी दिया, इस बंदे को दे दिया मैंने कोडेक्स। हाँ तो फाइनली गाइस, तो ये थे विनर आज के। एंड होप कि आप सभी को मज़ा आया होगा आज की लाइव स्ट्रीम में। बस ऐसे ही सपोर्ट करो यार, चैनल को शेयर करो, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। गाइस एक और रिक्वेस्ट ये है ना कि आप सभी एक चीज़ कर देना, जो अपना सोशल प्लेटफॉर्म है लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, वहाँ पे जो क्लैश ऑफ टाइटंस का ऑफिशियल पेज है वहाँ पे जाके वहाँ पे COT बेस्ट स्ट्रीमर का मतलब लाइक पूछा गया, तो वहाँ पे आप सब सपोर्ट कर देना भाई को, ठीक है? सभी से रिक्वेस्ट है, सभी कर देना। तो वहाँ पे रीजन भी दे देना सभी कि मतलब हम लोग लाइक देखो हम लोग इवेंट टूर्नामेंट ऐसे कराते रहेंगे। अभी तो मेरे एग्जाम से इस वजह से मैं थोड़ा इनएक्टिव था, और आज मुझे आना पड़ा इसलिए कि लगना चाहिए कि हाँ कोई चैनल पे जिंदा है, इतने दिनों से चैनल बंद था इस वजह से। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसलिए ताकि ये लूसीफर का इवेंट कंप्लीट हो जाए और लूसीफर को दे दूं मैं। अरे भाई ये कोडेक्स 150-150 रुपया देगा, देना तो बोल। अरे भाई मैं ज्वाइन करूँ मेरे भाई? अभी बस हो गया यार, अभी मतलब खेले नहीं आज हमने, मतलब 2-3 मैच खेला एंड अभी इवेंट करा दिए। मैं तो ऐसे आप सभी के साथ बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी तो बस जो विनर्स है मैं तो वेट कर रहा हूँ इन विनर्स को कैसे कैसे गिफ्ट कर दूं सभी को, तो गिफ्ट जा ही नहीं रहा यार, ये जाना चाहिए। देखो मैं तो कोलकाता में रहता हूँ, मैं कोलकाता में यहाँ पे बहुत सारे दोस्त लोग को पकड़ा दिया COT। अरे बोला COT इंस्टॉल कर, ये खेल बहुत सारे को पकड़ा दिया, अच्छे से खेल टीम भी बनाएंगे, बोल दिया बहुत बढ़िया, ऐसे ही तो टीम बनता है, ऐसे ही तो गेम फैलेगा भाई। आपने अपने फ्रेंड को सजेस्ट करो। मोबा इतना पॉपुलर होना चाहिए जितना बैटल रॉयल है। Exactly. तब मजा आएगा, तब हाँ तब जाके कंपटीशन में मजा आएगा। अच्छे अच्छे बंदे, लाइक तुम लोग सोचो अगर कंपटीशन में सेम बंदे हमेशा आएंगे, सेम टीम हमेशा आएगी तो मजे नहीं आते, लेकिन कोई नई टीम आ जाती है सामने तो कितना मजा आता है इनसे लड़ के। तो क्राउड होना चाहिए मोबा पे। भाई मैं तुम्हारे साथ ऐड नहीं हूँ, क्या बात करो मेरे भाई। ब्रो नीड कोडेक्स प्लीज गिफ्ट मी। अरे ब्रो आज का इवेंट यही था, देखो जो जो पार्टिसिपेट हुए भाई सभी को मिल गया। एंड अगर आपका कोई फ्रेंड है, अगर आपको वो गिफ्ट कर रहा है तो मैं कर सकता हूँ गिफ्ट। अगर आपका कोई फ्रेंड है आप उससे बोल दो। जो विनर्स हैं, विनर्स के नेम मैंने ऑलरेडी बता दिया, टॉप 5 विनर्स हैं यहाँ पे। तो ये टॉप 5 विनर्स में से आपका कोई फ्रेंड है उनसे बात कर लो, अगर वो किसी अगर आपको देते हैं तो मैं दे दूंगा। क्या भाई क्या बोल रहे हो? तो गाइस ठीक है, कितना करें ऑलमोस्ट 86 लाइक्स हो गए यार, मेरे को जाने का मन नहीं कर रहा है। 100 सोच रहा हूँ हो जाए हो जाए। प्रोफेसर मुझे कब सेंड करोगे? अरे ब्रो आपको भी सेंड कर दूंगा, आप एक काम करो मुझे रिक्वेस्ट कर देना, ठीक है मैं कर दूंगा सर। ठीक था ना, मैंने मेरे गर्लफ्रेंड को भेज दिया कि तुम भी लाइक करो, वो भी अरे भाई ओ भाई ये नेक्स्ट लेवल था। भाई खेल रहा है क्या? नहीं मेरे भाई वो जो लाइक करता है उन लोग का नाम दिखाता है क्या, या यूट्यूब आईडी दिखाता है क्या? रात में करेंगे रात। हां जो लाइक करता है तुमको यूट्यूब में उसका नाम दिखा देता है या यूट्यूब आईडी दिखाया? देखो अगर मैं डिटेल में जाऊंगा ना लाइक इसे यूट्यूब स्टूडियो वगैरह में, तो वहाँ पे से दिख जाएंगे कौन कौन लाइक किया, कौन कौन डिसलाइक किया, कौन कौन क्या किया है। अच्छा, उसमें अच्छा, लेकिन वो से पूरा मिल जाता है। हाँ तो वहाँ से कौन वो कोई चेक ही नहीं करता, मैं कभी चेक ही नहीं करता वो तो। नहीं, हाँ हाँ उसके लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ। हाँ कैसा ऐसा होता है क्या, मतलब पता चलता है क्या कौन कौन लाइक करता है कौन लाइक? हाँ मतलब प्राइवेटली पता चलता है, जो लाइक जिसका चैनल है उसको पता चलता है, बाकी ऐसा रैंडम बंदों को नहीं। वही तो जिसका चैनल है उसको पता चलता है क्या? हाँ वो पता कर सकता है बट इतना कोई चेक नहीं करता। एक मैच खेलो 25 लाइक्स मिल जाएगा। एक मैच खेलो 25 लाइक्स, वाओ नाइस। भाई आज का मजा आ गया भाई, आज मेरे को गिव अवे करके मजा आ गया सीरियसली यार। मुझे ना मैं तो सोच रहा हूँ वो मेरा क्या कहते हैं वो खत्म हो जाए, मैं ताकि ऑन स्ट्रीम सभी को कर दूँ कोडेक्स गिव अवे। कितना अच्छा लगेगा सबको देते देते फटाफट। मेरे को फिर इसके लिए एक वीडियो बनाना पड़ेगा, सबको दे दूंगा एक ही दिन में, वही करना पड़ेगा। एक वीडियो कंटेंट बन जाएगा। वन 1080p में देख रहा स्ट्रीम को, मेरे सारे डेटा खत्म हुआ। अरे भाई वाईफाई वाले लगता है बहुत कम है यहाँ पे बंदे हैं। तो गाइस देखो डेटा खत्म होने के बाद भी रिप्लाई दिया भाई, वही तो यार बस ना भाई, बस यही तो सपोर्ट है भाई, वही सपोर्ट चाहिए, ऐसा ही सपोर्ट। 91 हो गया देखो भाई। सर का थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड वेलकम टू द चैनल मेरे भाई। तो गाइस आज सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा मजा आ गया एंड आप सभी के साथ खेल के, तो आई होप आप सभी को मजा आया होगा। एंड यार देखो लाइक गेम तो कंप्लीट नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, फिर भी टेंशन मतलब मैं कर दूंगा उसको, लूसीफर को स्किन गिव अवे कर दूंगा। अगर स्ट्रीम खत्म होती है तो गाइस आप सब जरूर से लाइक कर देना, स्ट्रीम के बाद भी लाइक कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, लाइक कर देना ठीक है। एंड आप सभी के साथ मुझे सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज की स्ट्रीम में, इवन कुछ नए बंदों से मिला मैं, उनसे बात करके मुझे बहुत मज़ा आया, जितने भी नए सब्सक्राइबर थे उनसे बात करके मज़ा आया। तो बस आप सब ऐसे सपोर्ट बनाए रखो और हम लोग मिलते हैं एक और लाइव स्ट्रीम में, तब तक ले बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और यार सभी को सबका प्राइज़ मिल जाएगा ठीक है, डोंट वरी, सभी मेरे फ्रेंड्स ही हो जो भी टॉप 5 में हो तो सभी को मिल जाएगा, डोंट वरी ठीक है। ओके बाय, टेक केयर गाइज एंड गाइस ऑल द बेस्ट जरूर बोल देना, सभी एग्जाम है तुम्हारे भाई का ठीक है, एकदम अच्छे मार्क्स आने चाहिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए। चलो यार अच्छे मार्क्स आएंगे, मार्क्स लेके कोई फायदा नहीं है, फिर भी अच्छे मार्क्स लाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एग्जाम का वो देके आया हूं ना, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे मार्क्स लाओगे, कोई टेंशन। मार्क्स का वैल्यू नहीं करता आजकल का जमाने में, पता है ना। prepare to die. Prepare to die.